हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आगे कहीं काफी चैप्टर्स में, स्पेशली हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर काफी इसका अच्छा खासा यूज होगा। तो हम सेट थ्योरी यहां पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट के बारे में आप क्या जानते हैं? डेफिनेशन क्या कहेंगे? सेट की डेफिनेशन क्या होगी? सेट इज अ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का। वेल डिफाइंड एलिमेंट्स मींस ऐसे एलिमेंट जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो यस आप जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ओके, इंटीजर जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा है तो उसी कंटिन्यू कर रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, यस इंटीजर डिफाइंड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन वर्ड, तो ये क्या वेल डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि सेट ऑफ स्मार्ट स्मार्ट पर्सन, या इस तरह से हम कोई भी वर्ड जो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वही हमारा सेट है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपका रोस्टर मेथड। जो रोस्टर मेथड है उसमें आपको सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं आपको कहूं कि एक सेट है और उसमें जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनके वोवल्स का कलेक्शन, उसको आप रिप्रेजेंट करो। तो आप ये जानते हैं कि जो वोवल्स होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, तो आपने इन सभी को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और बीच में कॉमा लगाकर इनको सेपरेट कर दिया, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रोस्टर मेथड। और अगर हम इसी को सेकंड जो हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक प्रॉपर्टी मेथड होता है। उसमें क्या होता है कि कोई सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता है, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बट उनमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। उनमें क्या स्पेशलिफिटी है? जो स्पेशलिटी है यहां पर, स्पेशलिटी क्या, अगर हम इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि ए इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स एक्स इसका एलिमेंट है, और ये है सच दैट। सच दैट को इस तरह से भी लिखा जाता है और हम चाहे तो सजदेट को इस तरीके से, तो दोनों का मीनिंग सेम है कि ए इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स, सजदेट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके से आप लिखेंगे तो जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं वो सब यहां पर आ जाएंगे। क्लियर? तो यानी हम कहना चाहते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने की टू वेज है। एक तो आपका रोस्टर मेथड है जिसमें सभी एलिमेंट्स को बिल्कुल सेपरेट करके एक एक करके लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म जो दूसरा मेथड है उसमें उन एलिमेंट्स को डल करके उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी, जो भी स्पेशलिटी है उसको लिखा जाता है, उसको मेंशन किया जाता है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। मैं रोस्टर फॉर्म में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं और आपको उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जाम्पल है ए इक्वल टू सेट, सेट में एलिमेंट है टू, नाइन, 28, 65, 126। ये मैंने आपके सामने एक सेट लिखा है और आपको इस सेट को जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पर जो एलिमेंट्स है 2, 9, 28, 65, 126, इन सभी एलिमेंट्स में आपको एक स्पेशल करेक्टर, एक स्पेशल प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी ये सभी एलिमेंट्स जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं a इक्वल टू x, such that x इक्वल टू n क्यूब प्लस वन, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो नेचुरल नंबर का मतलब है कि आपकी शुरुआत n की वैल्यू जो शुरुआत 1 से होगी, तो जब आप n को 1 रखेंगे, n क्यूब प्लस 1 में जब आप x n को 1 रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, और जब आप n को 2 रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 2 क्यूब प्लस 1 9 आएगी, जब आप इसमें n को 3 रखेंगे तो 3q+1 28 आएगी, और जब आप n को 4 रखेंगे तो 4q+1 65 आएगी, और जो 5 रखेंगे तो 5q+1 126 आएगी। तो ये जो सेट है जिसको मैंने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखा और उसका ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। a इक्वल टू 23, 29, 31, 37,
41, 43 सिक्स एलिमेंट्स है सेट में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो आप। ये जो सभी नंबर्स हैं ये एक्चुअली में प्राइम नंबर्स हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको a इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब आप अगर x इज अ प्राइम नंबर लिख देंगे तो ये इनफ होगा इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि प्राइम नंबर में तो 2 भी आता है 3 भी आता है। तो कौन सी और कंडीशन लगा है जिससे कि हम इसकी जो हमें सेट ए गिवन है जिसकी रोस्टर फॉर्म हमारे पास गिवन है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म को हम कंप्लीट कर सके। तो प्राइम नंबर बोला तो इनफ नहीं है, और कुछ बाउंडेशन लगानी पड़ेगी आपको। प्राइम कंजुगेटिव नहीं, प्राइम कंजुगेटिव में तो फिर 2, 3, 4 क्यों नहीं आ रहे हैं? आप एक इनिक्विटी लगा देना कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 23 बट लेस देन इक्वल टू 43, तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको जो वापस रिपीट कर रहा हूं कि हम आज की क्लास में सेट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी। सेट क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज देयर आर टू वेज ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के, दो तरीके। फर्स्ट मेथड जो है वो रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड में क्या होता है, सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है। और जो सेकंड मेथड है हमारा सेट का, वो जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाता, उनकी एक स्पेशलिटी एक प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाता है, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसे प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट का जो फर्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉइड सेट। वॉइड सेट को नल सेट कहते हैं। अ सेट हैविंग none of the element, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, उसे हम बोलेंगे वॉइड सेट। वॉइड सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करें पाई से, अदरवाइज कर्ली ब्रैकेट, जैसे इस तरीके से। अब आप सोचते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बताए आप मुझे जो कि नल सेट को रिप्रेजेंट करें। मैं अगर आपको कहूं कि दुनिया में उन लोगों का सेट बनाओ जिनका वेट जो है वो 1000 kg से भी ज्यादा है, कैसा है? ऐसे कोई इंसान होंगे जिनका जो वेट होगा 1000 kg से ज्यादा होगा या 5000 kg से ज्यादा होगा? नहीं होंगे। तो ऐसे जो सेट है वो वॉइड सेट होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंगलटन सेट। जो सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होगा। अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज सेट टू बी सिंगलटन सेट। ओके, नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है और जो सिंगलटन सेट है उसमें एक एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहेंगे आप? फाइनाइट सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो। और इसकी जो एग्जैक्टली जो प्रॉपर डेफिनेशन है फाइनाइट सेट की, वो हम ये कह सकते हैं कि अ सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एनी फिक्स नंबर, एनी फिक्स रियल नंबर। मतलब अगर आप ऐसा कोई रियल नंबर बता सके किसी सेट के करस्पॉन्डिंग, कोई सेट में अगर आपको दूर उस सेट के करस्पॉन्डिंग आप एक ऐसा रियल नंबर बता सके कि उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस रियल नंबर से छोटे या बराबर हो, तो उस केस में हम उस सेट को फाइनाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट है उसमें 100 एलिमेंट, तो आप मुझे एक नंबर बता सकते हैं, 101 बोल सकते हैं, 102 बोल सकते हैं। अगर कोई सेट है उसमें 1 करोड़ एलिमेंट है, उस सिचुएशन में आप मुझे एक रियल नंबर बता सकते हैं, 1 करोड़ 1 बोल देंगे या 1 करोड़ ही बोल देंगे, कि जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा या बराबर होगा, तो ऐसी सिचुएशन में उस सेट को फाइनाइट कहेंगे। और जो सेट फाइनाइट नहीं होगा उस सेट को इनफाइनाइट कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने पहला टॉपिक पढ़ा वॉइड सेट, नल सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सेकंड हमने करा है और वो हमारा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। फाइनाइट सेट मींस अ सेट हैविंग फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि वो रियल नंबर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, देन सेट इज सेट टू बी फाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हम सेट की पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हो गई हमारा, सेट नोटेशन हो गया, टाइप्स ऑफ सेट हम चल रहे कंटिन्यू कर ही रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, ठीक है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट इज आल्सो नोन एज एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम डिसजॉइंट सेट
कार्डिनल नंबर ऑफ सेट की बात करते हैं, अगर कोई सेट ए है और उसमें फाइव एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए ई आई ओ यू, तो ये एक सेट है और इसमें फाइव एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, क्लियर। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट को कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट कितने, तो कार्डिनल नंबर का मतलब यहां पर किसी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मींस कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्लियर। फिर हम इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, टू सेट सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, गिवन सेट्स हैं एंड टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हैं ए और बी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, सपोज ए में पांच एलिमेंट है और बी में भी पांच एलिमेंट है, तो दोनों ही सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, ओके। और नेक्स्ट हमारा है इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ every element of A is also element, each element of A is also element of set B and each element of set B is also element of A. मतलब A का हर एक element अगर B का element है और B का अगर हर एक element A का element है, तो ऐसी situation में set A और set B दोनों के दोनों equal set कहलाएं। अब एक important बात यह है कि अगर दो set equal है, आप ये सोचो कि अगर दो set equal है, जैसे for example मैं example ले रहा हूं कि A 1 2 3 4 5, ये एक आपका set है और B आपका सेट है 2 3, अच्छा नंबर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं कि आपने किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट एक को वन को दो बार लिख दिया तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि वो जो सेट है उसमें A जो है वन है दो बार काउंट, यानी काउंट वो एक बार ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट्स काउंट करना। तो B हमारा है 2 3 1 4 5 सपोज, तो ये हमारा सेट है और ये सेट भी है, क्या A का हर एक एलिमेंट B में है, यस, क्या B का हर एक एलिमेंट A में है, यस, तो A का हर एक एलिमेंट B में और B का हर एक एलिमेंट A में, इसका मतलब है कि सेट A और सेट B दोनों इक्वल सेट्स हैं, यस। तो ये इक्वल सेट की डेफिनेशन हो गई। अब क्या ये जो सेट A और B है जो इक्वल सेट्स है, क्या ये इक्विवेलेंट भी है, तो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि A में कितने एलिमेंट है और B में कितने एलिमेंट है, A में 5 एलिमेंट्स है और B में भी 5 एलिमेंट, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो अभी कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। इट मींस टू, यहां पर जब हम दो ऐसे सेट ले रहे हैं जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट आएंगे ही आएंगे, इक्वल सेट्स और आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि इक्विवेलेंट सेट भी हमेशा इक्वल होंगे, नहीं। आप ऐसा एग्जांपल दें, जैसे मैंने आपको एक सेट ए लिखा 1 2 3 4 5, ओके, और एक दूसरा सेट बी लिखा जिसमें मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई, तो अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी दोनों बराबर है 5 5, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है, तो हम ही कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर ऑल ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल, ओके। नेक्स्ट इज सबसेट, सबसेट और सुपरसेट, सबसेट और सुपरसेट। सपोज हमारे पास, मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं कि एक सेट ए है और उसमें है 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स, और बी जो आपका सेट है उसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या ए का हर एक एलिमेंट बी में है, यस, yes। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में, तो ए को बी का सबसेट कहेंगे, क्लियर। सबसेट की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है कि द सेट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, द सेट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ दैट सेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ, अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो होगा वो ए का सुपरसेट होगा, और ए अगर बी का सबसेट है तो ए क्या है, बी के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के बनाया गया सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक सेट ए गिवन है और उसमें 3 एलिमेंट है, उसके सारे सबसेट लिखो, सारे सबसेट, ऑल सबसेट, तो उसके सबसेट्स क्या होंगे, ऑल सबसेट जितने भी सबसेट होंगे बताओ, पहला होगा 5 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि डेफिनेशन है कि सेट किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स का, सम एलिमेंट्स का, द सेट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, द सेट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, ये सम से क्या समझते हैं आप, ये वर्ड है सम, आपको इसे समझना होगा कि सम का क्या मतलब, सम का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है, मैं एक क्लास ले रहा हूं, उसमें 100 बच्चे हैं और 100 के 100 बच्चे मैथमेटिक्स में सपोज किसी भी रीजन से फेल हो गए, और मैं क्लास के बाहर जाके बोलता हूँ कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे पास हुए, तो क्या मैंने सच बोला, यस, क्योंकि कुछ बच्चे पास हुए इसका मतलब यहाँ पर 0 नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए, अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट 100 के 100 पास हुए तब भी बोल सकता हूँ मैं कुछ पास हुए,
अगर मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट 90 पास हुए 10 फेल हुए तो मैं कह सकता हूं मेरी क्लास में कुछ बच्चे पास हुए। कुछ क्या है, सम क्या है, एक नंबर है। तो जब हमारी क्लास में अगर 100 बच्चे और 100 फेल हो रहे तब भी कहा जा सकता है कि सभी के सभी बच्चे पास हुए यहाँ पर, कुछ 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 बच्चे पास हुए, देयर आर सम स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। तो जो सम वर्ड है इसका मतलब है कि वो एक नंबर है, वो जीरो भी हो सकता है। तो किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स को बना करके बनाया गया सेट, यानी कि हम वहां से एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, दो एलिमेंट भी ले सकते हैं, तीन एलिमेंट भी ले सकते हैं, और एक भी एलिमेंट नहीं ले ऐसा भी हम कर सकते हैं। ओके, तो पहला सबसेट होगा फाइव, दूसरा सबसेट होगा सेट वन, क्योंकि हमने पहला सबसेट बनाया एक भी एलिमेंट नहीं लिया, तो हम एक एक एलिमेंट लेकर सबसेट बना रहे हैं। तो सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, तो ये एक एक एलिमेंट वाले सबसेट बने। उसके बाद दो दो एलिमेंट ले लिए, सेट वन टू, सेट वन थ्री, सेट टू थ्री, और फाइनली हमने तीनों एलिमेंट ले लिया वन टू थ्री। तो कितने सबसेट बने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अगर किसी सेट में थ्री एलिमेंट्स है तो टोटल कितने सबसेट आ रहे हैं, टू की पावर थ्री। आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हो। फिलहाल अभी तो हमें समझना है कि अगर किसी सेट में इफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू एन, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट, उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल उसके सबसेट होंगे टू की पावर एन। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल आपको और देता हूं मैं, आप उसे करिए। एक सेट ए है, ए बी सी डी, इसके सभी सबसेट लिखिए आप। देखो आप लिख पाते हैं इसके सभी सबसेट, ट्राई कीजिए, सारे सबसेट लिखिए आप इसके। पहला सबसेट क्या होगा, पाई, पाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक नोट की फॉर्म में लिखिए, पाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड नोट लिखिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बच्चों सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आप जिसे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा तो आपको यह प्रोबेबिलिटी तक लेके जाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम आता है सेट। तो मैं आपको बताऊंगा ये कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, बट आप क्लास में कंटिन्यू करके इसे समझिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। एक सेट ए है, उसमें फोर एलिमेंट्स है और आप इसके सारे सबसेट लिखिए। तो पहला सबसेट हो गया फाइव, फिर आप एक एक एलिमेंट लिख लीजिए। तो एक एक एलिमेंट के जब आप सबसेट बनाएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप दो दो एलिमेंट लीजिए, तो दो दो एलिमेंट ले लें लेते हैं, तो बच्चे जनरली में तो मैं बोलूंगा ना कि दो दो एलिमेंट के सबसेट बनाओ, और यह कोई कॉपी में बना रहा होगा, आप लिख रहा होगा, तो क्या करेगा, पहला बनाएगा ए बी, फिर बना देगा बी सी, फिर बना देगा सी डी, फिर रुक जाएगा, तो वो सारे नहीं बना पाएगा। एक रूल क्या हो जिससे हम सारे लिख पाए, तो आप पहले ए वाले बनाइए, यानी आपको दो एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाना और ए होना चाहिए, ए बी, ए कोमा बी, पहला सबसेट हो गया एक दो दो वाले। तो ये तो एक तो फाइव हो गया, ये आपके हो गए एक एक एलिमेंट वाले सेट। अब दो दो एलिमेंट वाले सबसेट, ए बी, फिर ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी, फिर बी के साथ बी कोमा सी, बी वाले बी कोमा डी। अब बी कोमा ए मत लिख देना क्योंकि ऑलरेडी ए कोमा बी आ चुका है, तो ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी, बी कोमा सी, बी कोमा डी, फिर सी वाले सी कोमा डी। तो इस तरीके से आपने पहले ए वाले बना लिए, फिर उसके बाद बी वाले, और फिर उसके बाद सी वाले, और डी वाले तो बन ही जाएंगे क्योंकि वो ए बी सी में आ ही जाएंगे। तो ये हमारे दो दो एलिमेंट वाले सबसेट बन गए, हमें चार में से दो लेने। कहीं ना कहीं हम ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीएनसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चार में से तीन कैसे लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगर आपको कहा जाए ना कि इन चार में से तीन लो, तो बच्चे ए बी सी, बी सी डी, ए बस दो चार लिख देंगे उनको, मतलब एक दो लिख पाएंगे, कुछ स्किप रह जाएगा। तो एक रूल हो जिससे कि हम उसको बच सके, हमें कॉन्फिडेंस आए कि हमने सारे लिख लिए हैं, तो उस चीज का बात है कि यहाँ पर चार एलिमेंट है ना, आपको तीन लेने हैं, तो चार में से तीन लेने का मतलब है आपको एक छोड़ना है। आप समझो मेरी बात, आपको ए बी सी डी चार एलिमेंट दिए गए और उनमें से आपको तीन एलिमेंट लेने, यानी कि आपको एक एलिमेंट को छोड़ना है। तो एक बार आप सपोज आपने डी को स्किप कर दिया, तो डी को स्किप करने का मतलब आपने ए बी सी ले लिया, ओके, फिर आपने सी को स्किप कर दिया तो ए बी डी ले लिया, फिर आपने बी को स्किप कर दिया तो ए सी डी ले लिया, और फाइनली आपने ए को स्किप कर दिया तो बी सी डी ले लिया। तो इन चार में से तीन तीन एलिमेंट लेने के ये तरीके हो, और लास्ट की चारों के चारों ले लो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बताओ आपने इसे कितने सबसेट लिखे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन, और आपको बताया कि इसमें फोर एलिमेंट्स है, तो वैसे भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर फोर 16 होगा। एक बार अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट।
सबसेट आपको समझ में आ गया। प्रॉपर सबसेट पे आते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ एनी सेट ए, सपोज ए बी एनी सेट, ए आपको एक सेट गिवन है और उसके जितने भी सबसेट है उनमें सेट ए भी तो अपने आपका सबसेट होगा, उसको छोड़ दो। एवरी सबसेट ऑफ एनी सेट ए अदर देन सेट ए इटसेल्फ, एवरी सबसेट ऑफ एनी सेट ए, सपोज ए बी एनी सेट, एवरी सबसेट ऑफ एनी सेट ए अदर देन सेट ए इटसेल्फ, ऑल आर प्रॉपर सबसेट। जैसे अगर आपको कहा जाए कि इसी क्वेश्चन में कि इस सेट के प्रॉपर सबसेट बताओ, तो प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो ये सभी प्रॉपर सबसेट होंगे, ये सभी प्रॉपर सबसेट में आएंगे, ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, यानी कि प्रॉपर सबसेट होंगे 15, टोटल सबसेट 16 आए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें, इसके टोटल सबसेट जो आए वो ये आए, इनमें से ये प्रॉपर सबसेट, ये वाला प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी कि 2 की पावर 3 - 1। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, टोटल प्रॉपर सबसेट्स होंगे आपके 2 की पावर n - 1। ओके, अब मैं आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अच्छा, सबसेट का सिंबल भी आपको समझना होगा कि जैसे मैंने ये लिखा है इसका मतलब है a क्या है, a b का सबसेट और इक्वल टू लग रहा है, तो यानी वो सबसेट है, बराबर भी हो सकता है क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यहां पर बी क्या, बी सुपरसेट ऑफ है और यहां पर भी बी सुपरसेट ऑफ है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ओके, तो ये हमें यहां पर डिफरेंस क्रिएट करना होगा। इस सिंबल का मतलब क्या, बिलोंग्स टू है, जैसे अगर लिखा हुआ 1 बिलोंग्स टू ए, तो यानी 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। तो ये बिलोंग्स टू और सबसेट और सेट को लेकर के मैं एक बेसिक क्वेश्चन कराने की आपको कोशिश करता हूं ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए इन सिंबल के। ओके, तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है आपको करना है अभी, ट्रू फॉल्स। बस एग्जांपल, बस स्टेटमेंट, 1 बिलोंग्स टू, ये आपको बताना कि सही गलत है। सेकंड, ये बताना है कि सही की गलत है, सोचना है आपको, थोड़ा सीरियस लेना है आपको पढ़ाई को। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। इसका जवाब तो बच्चों आप चैट बॉक्स से दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 सही है तो आप लिखो 1 ट्रू, अगर आपको लगता है सेकंड ट्रू है तो आप लिखो सेकंड ट्रू, अगर आपको लग रहा है थर्ड फोर्स है तो आप लिखो थर्ड एफ। तो आप मैसेज बॉक्स से मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है और कौन सा गलत लग रहा है। 1 belongs to 1, 2, 3. क्या 1 इसका एलिमेंट है? Yes, इसका एलिमेंट है। कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। यहां पर है सेट 1. सेट 1 belongs to. सेट 1 belongs to सेट ऑफ 1, सेट 1, 2. Yes, सेट 1 ये रहा ना? एलिमेंट कितने भी है यहां पे? तो ये भी ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट, सेट 1 इज सबसेट ऑफ. अगर आप बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है सबसेट पे, तो सेट 1 इसका सबसेट ही चेक करना है आपको कि आप इसको, इससे तो बहुत कम बच्चों को दिक्कत आएगी, अगर आप ही रही है तो मैं उसके लिए और इजी मेथड बताऊं कि आपको मान लो इस पे प्रॉब्लम आ रही है कि आप इसे कैसे चेक करो। तो यहां पर अगर सबसेट का साइन हो तो सबसे पहले ये जरूरी है कि एक सेट होना चाहिए और उसके बाद यहां से सेट का जो कर्ली ब्रैकेट हटा दो आप, यानी कि अगर सबसेट का साइन है तो इसका सेट होना जरूरी है। यस सेट है, अभी सेट का जो सिंबल है वो हटा दो और यहां पर बिलोंग्स टू लगा दो। क्या आप सही है? यस, आप सही है। अगर ये सही है तो ये सही होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। यस, ये भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है आपका। नहीं, बच्चों ने थर्ड फोर्स दिया है, आप इसको हल्के से मत लो सेट थ्योरी को कि हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो हम सेट क्यों पढ़े। ये गलत फहमी है आपकी। आप मेरी क्लास को कंटिन्यू करो, आज की क्लास और कल की क्लास, आपको पता चल जाएगा कि सेट कितनी इंपॉर्टेंट है और मैं कैसे जिस चीज को समझाता हूँ, जो शुरुआत करता हूँ बहुत बेसिक नॉलेज से, बिल्कुल स्लो, बहुत बेसिक बात करता हूँ, और जब क्लास खत्म होती है तो वो किसी हाई लेवल तक जाती है, तो आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको भी उस चीज का बहुत अच्छा मजा आने वाला है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, दर सही है। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट में, क्या ये सही लग रहा है आपको? फोर्थ
मैंने आपको क्या बोला कि सबसेट का या प्रॉपर सबसेट का साइन हो, जैसे ये लिखा हुआ है आपका फोर्थ स्टेट, तो आपके लिए इसका सेट होना जरूरी है। ये सेट नहीं है, जब सेट ही नहीं है तो सबसेट का आएगा, ये कोई सेट नहीं है, इसमें सेट का संबंध नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ओके, फिफ्थ पे आओ, फाई। फाई को क्या होता है, फाई एक ऐसा सेट है जो सिंबल होता है, लेकिन उसको ये फाई नल सेट को ही लिखने के दो तरीके हैं। ओके, तो फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आप जानते हैं, तो फिफ्थ स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो मत बोल देना कि भाई सेट का सिंबल नहीं है, वो तो एक अलग एक स्पेशल कर स्पेशलिटी हो गई है। और सिक्स से फाई बिलोंग्स टू, इसका आप जवाब दीजिए कि क्या सिक्स स्टेटमेंट ट्रू है, फाई इसका एलिमेंट है क्या, फाई इस सेट वन टू थ्री का एलिमेंट है। कई बच्चे इसे ट्रू बोलते हैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, और जो बच्चे लास्ट में जो एडवांस में सेलेक्ट भी हो जाते हैं, जिनकी अच्छी रैंक आती है, जब मैं ये सेट की शुरुआत करता हूँ इनिशियली पहली दूसरी क्लास होती है, तो कई बच्चे इसको ट्रू बोलते हैं, कई बच्चे फॉल्स बोलते हैं। अब मैं नहीं बताऊँ कि मुझे क्या सही क्या गलत है। अब बच्चे कहते हैं कि फाई तो क्या नल सेट सब में होना चाहिए, नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, अब मेरा रिप्लाई सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो वो बच्चे जो इसे ट्रू बोलते ना वो भी कहते हैं तीन एलिमेंट। जब मैं क्लास में पूछता हूं ना कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, फाई बिलोंग्स टू सेट वन टू थ्री, और जो बच्चे कहते हैं कि ये ट्रू है, फिर उसी बच्चे को जब खड़ा होकर खड़ा करके पूछता हूं मैं कि बताओ, अच्छा बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो बच्चे बोलते हैं तीन। फिर मैं पूछता हूँ कौन कौन से एलिमेंट है, तो बोलते हैं वन टू थ्री। फिर मैं पूछता हूँ कि अभी तो तुम बोल रहे हो कि इसमें कितने एलिमेंट, तुम बोल रहे हो तीन। फिर मैं कौन कौन से एलिमेंट, वन टू थ्री, या तो तुम फाइव बोल नहीं रहे हो, और जब मैं पूछा कि फाइव इसका एलिमेंट है, तो बोल रहे हो कि हाँ इसका एलिमेंट है, ये कैसे। तो बच्चा अपनी बातों में कंफ्यूज हो जाता है। जब आपसे क्लियरली पूछा जा रहा है कि कितने एलिमेंट, आप तीन एलिमेंट बता रहे हो, तो फाइव इसका एलिमेंट कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन सिक्स है, जो स्टेटमेंट सिक्स है, वो फॉल्स है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पावर सेट। सबसेट आपका हो गया, सुपरसेट हो गया, पावर सेट पे आते हैं। सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट भी हो गया, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं, उन सभी सबसेट का कलेक्शन बनाओ, उन्हीं सभी सबसेट का सेट बनाओ। द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज सेट टू बी पावर सेट ऑफ दैट सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मीन सेट, पावर सेट ऑफ सेट है। तो कोई आपके पास सेट ए गिवन है, और उसके जितने भी आप सबसेट बनाओगे, उन सभी सबसेट को बना करके अगर उसका सेट बना दोगे, तो वो उस सेट का पावर सेट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं। जी, ये आपके पास एक सेट है वन टू थ्री। अब सबसे पहले आप इसके सारे सबसेट बनाओ, तो पहला सबसेट क्या होगा, फाइव। दूसरा सबसेट क्या होगा, सेट वन। तीसरा सबसेट क्या होगा, सेट टू। चौथा सबसेट क्या होगा, सेट थ्री। पांचवा सबसेट क्या होगा, सेट वन टू। छठा सबसेट क्या होगा, सेट वन थ्री। सातवां सबसेट क्या होगा, सेट टू थ्री। और लास्ट सबसेट क्या होगा, सेट वन टू थ्री। तो मैंने क्या करा, इसके सारे सबसेट बना दिए। अब इसके सारे सबसेट बना करके मैंने उन सभी सबसेट का सेट बना दिया ऐसे, तो ये जो है वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा, पी ऑफ ए। क्या कहलाएगा, पी ऑफ ए। क्लियर, किसी सेट के जितने भी सबसेट है वो बनाओ और उनका सेट बनाओ। ओके, अब मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एन ऑफ ए इक्वल टू एन, मतलब अगर एक सेट में एन एलिमेंट, देन एन ऑफ पी ऑफ ए इक्वल टू टू की पावर एन। आप देखो, आपको बात समझ में आती है क्या, कि अगर किसी सेट में एन एलिमेंट, तो उसके पावर सेट में टू की पावर एन एलिमेंट्स होंगे। होंगे, यस, 100%। क्योंकि पावर सेट में क्या होता है, किसी सेट के सबसेट होते हैं। अब अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स, तो टोटल कितने सबसेट होंगे, उसके टोटल सबसेट टू की पावर एन होंगे, और उसके जितने भी सबसेट होंगे वो उसके पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, टू की पावर एन। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब आप इस स्टेटमेंट यूज करके क्वेश्चन करो, प्रूव दैट एन ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पाई इक्वल टू फोर। इसे प्रूव करने की कोशिश करो।
अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, वो स्टेटमेंट था इफ एन ऑफ ए, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल टू टू की पावर एन, ये आपका एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाई इक्वल टू व्हाट, बताओ फाई के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? फाई मींस नल सेट, तो नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? जीरो। अब नल सेट में जीरो, इसी सेट में फाई की जगह आपने ए की जगह आपने फाई रख दिया, तो अगर फाई में जीरो एलिमेंट होते तो फाई के पावर सेट में कितने एलिमेंट, y के पावर सेट में टू की पावर जीरो एलिमेंट होंगे, n की जगह आपने जीरो रख दिया तो वन आ गया आपके, क्लियर। अब फाई में एक एलिमेंट है, अब ये हमारा एक सेट हो गया पी ऑफ फाई, आप एक सेट मानो, ये आपका a हो गया सब, और इसमें एक एलिमेंट है, अगर इसमें एक एलिमेंट है, ये एक हमारा सेट है, तो इसके पावर सेट में अब कितने एलिमेंट, इसका पावर सेट में तो टू की पावर वन एलिमेंट होंगे, अब टू, ठीक है। और अब हम वापिस ये कहने जा रहे हैं कि ये हमारा एक सेट, अब आप इसको एक सेट की तरह ट्रीट करो, और इसमें आपको टू एलिमेंट्स मिले, तो अगर आपको इसमें टू एलिमेंट्स मिले और आप इसका अगेन पावर सेट ले, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? टू की पावर टू, फोर। यही तो प्रूफ करना था। एनी डाउट? कोई डाउट तो पूछो, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन कौन से फोर एलिमेंट्स? भाई ये तो आपने बता दिया कि पावर सेट ऑफ फाई कंटेनिंग फोर एलिमेंट्स। ओके, तो ये बता सकते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? थोड़ा आप इसके लिए थोड़ा सोचिए, आपके पास एक कॉपी, रफ कॉपी होगी, उसमें थोड़ा ट्राई कीजिए, आप उन चार एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? मैथमेटिक्स बच्चों प्रैक्टिस से आएगी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिटर्न वर्क करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप प्लीज प्रैक्टिस करें, मेरे साथ एक कॉपी रख के लेके बैठे, आप भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बट आपके पास कॉपी होनी चाहिए, और आप इसे कोशिश करो, हर एक चीज को, किसी चीज को ईजी मत समझो, सिर्फ सुनना ही सब कुछ नहीं है, सुनने के साथ आपको लिखना होगा, तो आप कॉपी में कोशिश तो करो, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तो आपको पता चले आप लिख ही नहीं पा रहे हो, आपको लिखने में नहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो ट्राई करो। देखो ऐसे समझो, सबसे पहले आप पाई बताओ क्या है, पाई में एक भी एलिमेंट नहीं, ओके। इसके बाद आप पाई के सबसेट लिखो, सबसेट्स ऑफ पाई, पाई में कितने एलिमेंट है? जीरो एलिमेंट, तो पाई कितने सबसेट होंगे? टू की पावर जीरो, एक सबसेट होगा, कौन सा? पाई का एक ही सबसेट होगा, पाई इटसेल्फ। तो पावर सेट ऑफ पाई क्या हुआ? पावर सेट ऑफ पाई का मतलब क्या हुआ? पाई के सबसेट का कलेक्शन, यानी कि सेट ऑफ सबसेट ऑफ फाई, तो ये हमारा सेट फाई आ गया। ओके, अब इसके सबसेट लिखो, आप इसे मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बोलता कि ये एक सेट है और इसके सबसेट लिखो, तो आप इसके सबसेट कैसे लिखते? सेट वन के सबसेट कैसे लिखते? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पहला सबसेट फाई, दूसरा सबसेट वन, क्योंकि अगर इसमें एक एलिमेंट है तो दो सबसेट होंगे। आप पूरी क्लास कंटिन्यू करो, आपको पूरा मतलब लास्ट तक ये जो चीज है वो प्रैक्टिस करो, आप कॉपी में लिखो, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपने आगे दो सबसेट लिखे, इसके दो सबसेट लिख के बताओ कौन कौन से होंगे? इसमें एक एलिमेंट तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर वन, तो सबसेट्स ऑफ पी ऑफ फाई क्या होंगे? एक तो फाई होगा और एक खुद होगा, यहां पर इसको वन की तरह, जैसे वन है, एक फाई होगा एक खुद होगा, उसी तरह से मैंने लिख दिया। अब इसके जो मेरे सबसेट लिखे, उन सभी सबसेट का कलेक्शन बनाओगे तो इसका पावर सेट आएगा, मतलब पी ऑफ फाई है, अगर इसका पावर सेट कोई पूछे तो क्या होगा? क्या होगा? इसके जो आपने सबसेट लिखे वो सबसेट के का सेट बना दो, क्लियर। अब आपको इसके सबसेट लिखने हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि वन टू एक सेट है, इसके सबसेट लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? पहला फाइव लिखोगे, फिर एक एक एलिमेंट का सेट लिखोगे, फिर दो एलिमेंट के लिखोगे, लिखोगे ना, तो उस तरीके से अब आप इस पीओ फाइव के सबसेट लिखो, सबसेट्स ऑफ पीओ फाइव,
देखो क्या होंगे, पहला तो फाई आएगा जिसने यहाँ पर आया, फिर सेट वन आएगा यानी कि इसके एक एलिमेंट का कलेक्शन यानी सेट फाई आएगा, फिर आएगा सेट टू यानी ये टू है तो सेट ऑफ फाई आएगा, ये टू की तरह ट्रीट, ये वन की तरह ट्रीट कर रहा है, टू की तरह ट्रीट, और चौथा एलिमेंट चौथा जो सबसेट आएगा वो आएगा पूरा का पूरा। तो आपने जो प्रूफ किया था कि पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाई में आपके पास चार एलिमेंट्स है, चार एलिमेंट वो क्या होंगे, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाई की तो सबसेट होंगे क्योंकि पीओ पीओ फाई ये जो है उसके सारे सबसेट है, तो ये सभी सबसेट का अगर कलेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, इसका पावर सेट हो जाएगा ना। तो फाइनली आप कह सकते हो कि पीओ पीओ फाई के जो आपने सबसेट लिखे उनका पावर सेट अगर बनाना तो वो सारे जो सबसेट लिखे वो लिखने पड़ेंगे, फाई पहला फाई आया, दूसरा सेट फाई आया, ओके तीसरा क्या आया सेट ऑफ फाई कॉमा सेट फाई, और एक सेट ऑफ सेट फाई भी तो आया, सेट ऑफ सेट फाई भी आया, ओके सेट ऑफ फाई, और फोर्थ सेट ऑफ फाई कॉमा, तो जो आपने प्रूव करा था कि इसमें फोर एलिमेंट्स होंगे वो ये फोर एलिमेंट इस तरीके से लिखे, पहला एलिमेंट होगा फाई, दूसरा होगा सेट फाई, तीसरा होगा सेट ऑफ सेट फाई, और चौथा होगा सेट ऑफ फाई सेट फाई, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट, ये जो ऑपरेशन ऑन सेट है, ये हमारा पहला ऑपरेशन होगा यूनियन, ए यूनियन। अब ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो ए के एलिमेंट होते हैं या फिर बी के एलिमेंट होते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ऑफ एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए अदरवाइज एलिमेंट, और ये तो डेफिनेशन है। अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझिए तो जो वेन डायग्राम होता है जब हम इसे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाते हैं तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, टाइप्स ऑफ सेट में यूनिवर्सल सेट भी आता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक्चुअली में यूनिवर्सल सेट ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं आपको इसका क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में मैं एक सेट लिख रहा हूँ 1 2 3, मैंने सेट लिखा, फिर मैंने दूसरा सेट लिखा, पहला सेट लिखा एक सेट क्वेश्चन में 1 2 3 उसमें एक ही क्वेश्चन ये सेट है, और जो दूसरा सेट लिखा मैंने वो लिख दिया 4 5, बस दो ही सेट है। तो अब मेरे को यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो बनाना है, तो यूनिवर्सल सेट है कि हमारे पास सिर्फ दो ही सेट है क्वेश्चन में, तो इनका यूनियन कर दे 1 2 3 4 5, वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जाम में हूँ और मैं कोटा राजस्थान में रहता हूँ और मैं कोटा के बाहर कभी नहीं गया, तो मेरे लिए कोटा यूनिवर्सल हो सकता है और मैं राजस्थान को भी यूनिवर्सल मान सकता हूँ, ये फिक्स नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना कि सपोज मैं कोटा में ही रहता हूँ, कोटा के बाहर कभी नहीं गया, कोटा में घूमता हूँ फिरता हूँ, यहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो भी एक्टिविटी सब कोटा के अंदर करता हूँ, मैं कोटा के बाहर नहीं गया, तो कोटा एज ए यूनिवर्सल मेरे लिए, मैं अपने लिए मान सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो राजस्थान को मान सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ वो पार्ट जो है वो राजस्थान के अंदर आता है, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट कोटा हो सकता है और कोटा का कोई भी सुपर सेट जो होगा वो भी यूनिवर्सल माना जा सकता है, जैसे राजस्थान जैसे इंडिया, तो ये फिक्स नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में दो सेट है तो आप चाहो तो 1 2 3 4 5 को यूनिवर्सल मान सकते हो, चाहो तो 1 to 10 लिख लो, 1 to 100 लिख लो, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, वो हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर जनरली यूनिवर्सल तो रेक्टेंगल की फॉर्म में वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर अगर ये सेट ए सपोज और ये आपका सेट बी, तो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम होगा यानी कि उसमें ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं हम, इंटरसेक्शन। फर्स्ट तो हमारा था यूनियन, यूनियन क्लियर, और सेकंड है आपका इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों के एलिमेंट हो, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि कॉमन एलिमेंट, क्लियर। और इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे, जैसे आपका ये यूनिवर्सल सेट है सपोज, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी। सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए, ठीक है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जे एडवांस में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका जो पोर्शन होगा
ये आपका ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट, क्लियर, एनी कॉमन एलिमेंट। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन हो गया। थर्ड ऑपरेशन की तरफ अगर हम बढ़े तो थर्ड आपका ऑपरेशन है डिफरेंस बिटवीन टू सेट, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ए माइनस बी जैसे निकाले, बी माइनस ए निकाले। तो जैसे ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि सेट में से सेट को माइनस करा जाता है, इसका क्या मतलब है, तो डिफाइन करना पड़ेगा सेट ए माइनस सेट बी। तो ये ए माइनस बी का अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे एक्स, जो ए के एलिमेंट तो होंगे बट बी के एलिमेंट नहीं होंगे। ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। एक्स ए का एलिमेंट होगा लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो एलिमेंट लेने सेट ए के जो सिर्फ ए के ही एलिमेंट। और इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझे, जैसे आपने ये यूनिवर्सल सेट बनाया ओके, और ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ए माइनस बी कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट, ये वाला पोर्शन आप ए माइनस बी, आपको ये वाला पोर्शन जो कि वो वाला पोर्शन जो सेट ए का एलिमेंट है, बी का नहीं है, बी का पोर्शन नहीं है, सिर्फ ए का है, तो वो हमारा ए माइनस बी, क्लियर। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसे इसमें बी माइनस ए वाला पोर्शन, ये बी माइनस ए हो जाएगा। तो आप सिमेट्रिक डिफरेंस समझते हैं, ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स, और सिमेट्रिक डिफरेंस को ए डेल्टा बी से रिप्रेजेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेल्टा, ए डेल्टा बी का मतलब होता है इसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन लेना। ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट है बी के नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट जो कि बी के एलिमेंट है ए के नहीं है, तो इनका यूनियन लेंगे तो ए डेल्टा बी। इसको आप वेन डायग्राम अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे आपने ये वेन डायग्राम बनाया, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है ये सेट ए है और ये सेट बी है, क्लियर। तो जो ए डेल्टा बी है ना उसमें कौन कौन सा रीजन आएगा, उसमें ये वाला पोर्शन आएगा जो सिर्फ ए का पोर्शन है क्योंकि ए माइनस बी, और ये वाला पोर्शन भी आएगा क्योंकि ये बी का पोर्शन है, सिर्फ बी का, बी माइनस ए। तो आप इस डायग्राम को देख करके इससे समझ सकते हैं कि ए डेल्टा बी जो जिसकी डेफिनेशन आपकी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, उसको आप ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ए डेल्टा बी मिलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश, इसको ए डैश से रिप्रेजेंट, यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दिया जाए, यूनिवर्सल सेट में से अब जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो इसका मतलब है आपको वो यूनिवर्सल सेट तो गिवन देगा ही देगा, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल सेट आपको नहीं देगा तो फिर तो आप कॉम्प्लीमेंट ए गिवन है मान लो, तो कॉम्प्लीमेंट जब यूनिवर्सल गिवन नहीं तो फिर तो बहुत सारे आंसर है, क्योंकि यूनिवर्सल एक फिक्स एक पर्टिकुलर सेट तो होता ही नहीं है, तो 100% जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, तो उसके रेफरेंस में ही आप कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस है, लेकिन वो एलिमेंट्स जो कि ए के एलिमेंट नहीं है बट यूनिवर्सल के तो होंगे ही होंगे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा वेन डायग्राम है और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट आपका ए है, तो ए के बाहर के जो एलिमेंट्स है ये वाला जो पॉइंट ये आपको ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट सेट, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, डिसजॉइंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट If A intersection B equal to no, there is equal to 5, there is no element, there is no common element between set A and set B. तो दो सेट अगर हमारे पास A और B ऐसे गिवन हो कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो हम उन दोनों सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ये चीज भी बहुत काम आएगी प्रोबेबिलिटी में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप करिए जिससे आपको सारे ऑपरेशन समझ में आए। If A equal to set A equal to x such that x is a prime number less than 10, ये आपका सेट ए है, सेट बी इक्वल टू x such that x is a multiple of 3 and
एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस टेन से ग्रेटर इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू टेन है। यूनिवर्सल सेट जो है आपका वो एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू टेन बट लेस देन इक्वल टू टेन, ग्रेटर इक्वल टू माइनस टेन बट लेस देन इक्वल टू टेन। ओके देन फाइंड ए यूनियन बी, आप अपनी कॉपी में ट्राई कीजिए ए यूनियन बी। पहले तो आपको ए और बी को, ए और बी और यू यूनिवर्सल सेट को, अब ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में किया, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ए डेल्टा बी एंड ए डैश, ये सब आपको डिफाइन करना है। ट्राई दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट, इन तीनों को रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो आपका जो सेट ए है वो क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो सेट ए में आएगा 2, 3, 5, 7 लेस देन 10, तो सेट ए ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7। सेट बी क्या है आपका, माइनस 10 और 10 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल, 0, ±3, ±6, ±9, ये आपका सेट बी हो जाएगा। ओके यूनिवर्सल सेट क्या है, बिटवीन -10 to 10 ऑल इंटीजर, 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7, ±8, ±9, ±10 ऑल आर इन सेट, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल यू। नाउ यू हैव टू फाइंड ए यूनियन, तो ए यूनियन बी इक्वल टू मींस सेट ऑफ एलिमेंट्स, all elements of set A and B, okay, all elements of set A and set B, so 0 आएगा, yes, क्योंकि वो B में है, फिर 2 आएगा, plus minus 3 लिख देंगे तो 3 भी आ ही जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर plus minus 6, 7, और फिर plus minus 9, okay। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, 0 तो कॉमन है नहीं, 0 बी में ए में नहीं है, 2 ए में बी में नहीं, 3 दोनों में कॉमन है, 3 आएगा एक, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका सेट 3। ओके उसके बाद आपको निकाला ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मतलब आपको वो एलिमेंट लिखने जो ए में है बट बी में नहीं है, तो ए का वो एलिमेंट लिखना जो सिर्फ ए का एलिमेंट, जैसे 2 ए में है लेकिन बी में नहीं, वो लेना है 3 आप नहीं ले सकते, कोई 3 ए का तो है लेकिन बी का भी है, वो एलिमेंट ए का लिखना जो ए का तो है बट बी का नहीं है, 2, 5, 7, तो ये आपका ए माइनस बी हो। फिर जब आप बी माइनस ए निकालेंगे तो बी के वो एलिमेंट लिखे जो ए में नहीं है, तो बी में जैसे 0 है तो वो ए का नहीं है लेना है, बी में 3 ± 3 है बट उसमें से 3 ए में है तो -3 आएगा, बाकी ±6 और ±9 ये सब आपके बी माइनस ही। ओके तो ए माइनस बी हो गया, बी माइनस ए हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया और ए यूनियन बी, उसके बाद ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी कैसे निकलेगा, ए डेल्टा बी होगा ए ए माइनस बी जो आपने निकाला है और जो बी माइनस ए आपने निकाला है उन दोनों का यूनियन करो, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करो, तो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन करो तो 0 आएगा, यस 2 आएगा,
प्लस थ्री की जगह डी आएगा, माइनस थ्री आएगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। जीरो आ गया, टू आ गया, माइनस थ्री आ गया, फाइव आ गया, प्लस माइनस सिक्स, सेवन और प्लस माइनस यही आएंगे ना, जीरो टू माइनस थ्री ओके, और प्लस माइनस सिक्स फाइव, फाइव प्लस माइनस सिक्स सेवन और प्लस माइनस नाइन ओके। अब आपको निकालना है एडिश, एडिश क्या होगा आपका, यूनिवर्सल में से आपको एक एलिमेंट हटाना है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट है, टू थ्री फाइव सेवन, उन टू थ्री फाइव सेवन को यूनिवर्सल में से हटाना है। तो यूनिवर्सल में जीरो है वो आएगा, प्लस माइनस वन आएगा, प्लस माइनस टू में से माइनस टू आएगा, प्लस टू हटाना है, प्लस थ्री को हटाना है, माइनस थ्री आएगा, प्लस माइनस फोर, प्लस फाइव में से प्लस फाइव को हटाना है, माइनस फाइव, प्लस माइनस सिक्स, फिर माइनस सेवन, फिर प्लस माइनस एट, प्लस माइनस नाइन और प्लस माइनस टेन। तो ये आपका ए डैश हो गया ओके। तो फाइनली आपने ये क्वेश्चंस भी देख लिए, ऑपरेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आपको मैं कुछ लॉज बताने जा रहा हूं जो कि हमारे सेट थ्योरी पर है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम। एक तो मैं आपको एक पहले तो कुछ क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन करिए आप, इफ ए सबसेट ऑफ बी, सेट और सबसेट पे डिपेंड करता है, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, ट्राई दिस क्वेश्चन। If A is subset of B, then prove that B dash is subset of A dash. इधर देखो बच्चों, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, सबसे पहले आप वो लिखो टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है बी डैश इज सबसेट ऑफ ए। अगर आपको ये प्रूफ करना है बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, तो आप क्या करोगे, बी डैश का कोई एलिमेंट, इसे तो एग्जांपल से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर, बट वेन डायग्राम प्रूफ नहीं है, वो एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, वो वेरिफिकेशन है। जो एग्जैक्ट मेथड है वो क्या है कि अगर आपको प्रूफ ये प्रूफ करना है कि बी डैश जो है वो ए डैश का सबसेट है, तो आप एक जनरल एलिमेंट बी डैश का कंसीडर करो। लेट अस कंसीडर लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, आपको अभी रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन जब आप रिटर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कुछ समय के बाद आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं और वो आप खुद भी कर पाओगे। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि अगर आपको प्रूफ करना है बी डैश ए डैश का सबसेट है, तो बी डैश में एक एलिमेंट मान के चलो कि लेट एक्स बिलोंग्स टू बी डैश ओके। और हमारा पर्पस है कि किसी भी तरीके से इस एक्स को ए डैश में लेके आए मैथमेटिकली, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, एक्स माना कि एक्स बी डैश का एलिमेंट, अगर एक्स बी डैश का एलिमेंट है इसका मतलब वो बी का एलिमेंट हो ही नहीं सकता, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि बी डैश के अंदर कौन से एलिमेंट होते जो बी के नहीं हो ओके। तो हम यहां तक आ गए, फिर हमारा पर्पस है किसी भी तरीके से उसको ए डैश में लेके आना, यानी कि अब हमने शुरुआत कैसे करी, हमारा ये हमें प्रूफ करना कि बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, तो मैंने बी डैश में एक एलिमेंट माना एक्स, और एक्स इसका एलिमेंट मान के उस एक्स को ए डैश में लाना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे किसी भी तरीके से एक्स को ए डैश में लाना है। एक्स को ए डैश में लाने का मतलब है मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्स ए में नहीं है, तो अब मेरा पर्पस है एक्स को ए में नहीं होना पड़ेगा, अब वो बी का एलिमेंट नहीं है, अब बी का एलिमेंट, बी का एलिमेंट नहीं होने कर भी आप पर हम कैसे प्रूव करें एक, तो एक एलिमेंट भी नहीं होगा। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दो, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ए सबसेट ऑफ बी, अगर कोई एलिमेंट बी का नहीं है तो वो ए का एलिमेंट भी नहीं होगा। रीजन इज दिस कि ए इज सबसेट ऑफ बी, जैसे कोई पर्सन है और वो एशिया में नहीं रहता है तो वो इंडिया में कैसे रह सकता है, बिकॉज इंडिया इज सबसेट ऑफ एशिया,
कोई व्यक्ति एशिया में नहीं रहता तो इंडिया में कैसे रह सकता है? इंडिया तो एशिया के अंदर है, अब तुम एशिया में ही नहीं रह रहे हो। जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति जो दिल्ली मतलब कह रहा हूँ कि राजस्थान में नहीं रहता तो वो जयपुर में नहीं रह सकता, जयपुर तो राजस्थान के अंदर है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कि कोई राजस्थान में नहीं रह सकता तो कोटा में रह सकता है, कैसे रह सकता है? जब राजस्थान का एलिमेंट नहीं है तो कोटा में कैसे आए? ओके, यदि वो एलिमेंट नहीं होगा तो वो वाली बात आ रही है कि एक्स, यहाँ पर मैंने कहा कि एक्स इनिशियली मैंने एक एलिमेंट माना क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि बीटेश से सबसेट है, तो बीटेश का एक एलिमेंट माना, एक्स बिलोंग्स टू बीटेश। और अगर एक्स बीटेश का एलिमेंट है इसका मतलब वो बी का एलिमेंट नहीं होगा, और क्योंकि बी के अंदर ए, बी सबसेट ऑफ ए, ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए सबसेट ऑफ बी, और एक्स अगर बी का एलिमेंट नहीं है और बी क्या है सुपरसेट ऑफ ए, तो एक्स इज ऑल्सो, एक्स इज ऑल्सो नॉट बिलोंगिंग टू ए, मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, और अगर एक्स ए में नहीं है तो 100% एक्स ए डैश का एलिमेंट होगा। तो ये जो हमने कहा, अब एट लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कोई एक्स को नाम तो दिया नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ये सिंबल लगा दूंगा फोर होल, यानी कि जितने भी एलिमेंट बी डैश के हैं, फाइनली मैंने क्या प्रूफ किया कि जितने भी एलिमेंट बी डैश के हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ए डैश में आ गए, इसका मतलब बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। तो ये सबसेट प्रूफ करने का एक मैथमेटिकल तरीका है, अब समझ रहे हैं, क्लियर? अगर मुझे कहीं ऐसे कहीं किसी क्वेश्चन में ये प्रूव करना हो कि सेट ए और सेट बी बराबर, अब मैं आपको ये एक मेथड बताने जा रहा हूं कि दो सेट को इक्वल आप कैसे प्रूफ करेंगे, कि आपको ये प्रूफ करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है, तो उसके लिए आप दो काम करेंगे। पहले आप ए को बी का सबसेट प्रूफ करेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और उसके लिए ए का एलिमेंट मानेंगे और वो बी में लेके आएंगे, क्लियर? तो पहले आप ये काम करेंगे, फिर आप अपोजिट काम करेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए, यदि बी का कोई एलिमेंट लेके आएंगे मानेंगे और ए में लेके आएंगे। तो पहले आप ये जब भी आपको ये प्रूफ करना कि ए इक्वल टू बी, तो आप ए को कोई एलिमेंट मान के पहले बी में लाएंगे, उससे ए सबसेट ऑफ बी प्रूव हो जाएगा, और उसके बाद इसी तरीके से आप ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों इक्वल है। तो जब कभी दो सेट को इक्वल करना तो उसके लिए एक मैथमेटिकल तरीका है। ओके, तो मेरी जो लास्ट क्लास होती है, जब लास्ट क्लास का जो लास्ट टाइम होता है, लास्ट के 10-15 मिनट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पर मैं उन्हीं चीजों को जो शुरू में क्लास की स्टार्टिंग करता हूँ, बेसिक बात होता है, उनको जोड़ करके जो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप वो ट्राई कीजिए। मैंने इफ इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है आपको, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू सी एंड ऐसे एग्जाम्पल से, तो यहाँ वेन डायग्राम बना के कोई भी कर सकता है, वो मेथड नहीं है, आपको मैथमेटिकल प्रूफ, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन प्रूव दैट। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मत जाओ आप, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेथड आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना वो एक्चुअली में क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन का यूनियन होता है, उसका एक जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मिलकर के कॉम्प्लीटेड क्वेश्चन बनता है। जब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कंसेप्ट समझ में आएंगे, तो आप टफ क्वेश्चन जो जे एडवांस का वो भी आप ट्राई कर पाएंगे। तो आपको प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू सी, इट इज गिवन, ए यूनियन बी इक्वल टू सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये भी गिवन है, यू हैव टू प्रूव ए इक्वल टू सी माइनस मैथमेटिकली। देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आप प्रूफ करना चाहते हैं ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी माइनस बी प्रूफ करने के लिए आप क्या करें, पहले आप ए का कोई जो यहां पर हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू सी बी, तो पहले आप क्या करें ए में कोई एलिमेंट मान, ठीक है, लेट एक्स ये एलिमेंट ऑफ सेट है, लेट ए का एक एलिमेंट हमने एक्स माना, और हमारा पर्पस है उस ए का जो हमने एलिमेंट माना है एक्स, उसे किसी भी तरीके से सी माइनस बी में लेके आना। एक्स हमने एक एलिमेंट माना जो सेट ए में है और हमें उसे सी माइनस बी में लाना है, अभी सोच रहा होगा कि एक्स हमने ए में माना है और हमें उसे सी माइनस बी में लाना होगा। अब सी माइनस बी में लाना होने का मतलब क्या है कि x जो है वो c माइनस बी का एलिमेंट कब होगा, x इज एलिमेंट c माइनस बी कब होगा, जब वो x c का एलिमेंट होगा और b का एलिमेंट नहीं होगा, क्लियर? अब c क्या है, दिमाग लगाओ, c क्या है, c तो a यूनियन b है, b इक्वल टू a यूनियन b, तो जो एक एलिमेंट a का है वो a यूनियन b का एलिमेंट तो होगा ही, क्योंकि a यूनियन b में a और b के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो a के एलिमेंट तो डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो x अगर हमारा a का एलिमेंट है तो वो a यूनियन b का एलिमेंट तो होगा ही, मतलब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि x c का एलिमेंट होगा। ओके, और अब हमें प्रूफ करना कि वो b का एलिमेंट नहीं, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, और a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 गिवन, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 गिवन होने का मतलब क्या है कि अगर x a का एलिमेंट तो वो b का एलिमेंट हो ही नहीं सकता, कारण ये है, रीजन इज दिस कि a और b में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। ओके, तो फाइनली हमने कह दिया
कि जितने भी एलिमेंट हैं ए के, के वो सबके सब एलिमेंट, देयरफॉर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब एलिमेंट जो ए के हैं वो सी के तो हैं लेकिन बी के नहीं हो सकते। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स सी माइनस बी में आ गए। तो क्या इससे ये प्रूव होता है कि ए और सी माइनस बी बराबर है? नहीं, इससे ये प्रूव नहीं होता। इससे ये प्रूव होता है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ सी माइनस बी है, क्योंकि आपने ये प्रूव किया है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सी माइनस बी। अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि a इक्वल टू c माइनस b है, तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि c माइनस b के जितने एलिमेंट्स हैं वो a में आए। तो आप इसको भी ट्राई कीजिए कि c माइनस b के सारे एलिमेंट्स आपको a में लाने हो। तो उसको कैसे करेंगे अपन? y एक एलिमेंट मानो, माना कि y एक एलिमेंट है वो c माइनस b में। अगर y c माइनस b में, इसका मतलब y जो एलिमेंट है वो c का है और b का नहीं है, तो डेफिनेशन है आपकी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स की। तो y अपने एक एलिमेंट माना c माइनस b, और वो अगर c माइनस बी का एलिमेंट है इसका मतलब वो c का एलिमेंट है और b का एलिमेंट नहीं है। ओके, अब c क्या है? c का मतलब तो a यूनियन b है, यानी कि y जो एलिमेंट है वो a यूनियन b का है बट वो b का नहीं है। ये भी गिवन है कि वो b का नहीं है, a यूनियन b में तो है बट b में। अब a यूनियन b में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो a के होते हैं और जो b के होते हैं वही आते हैं। अगर y a यूनियन b में, इसका मतलब a और b दोनों में से किसी एक में होगा लेकिन वो b में नहीं है, इसका मतलब y जो एलिमेंट है वो a का ही एलिमेंट है। तो फाइनली आप ऐसे लिख दोगे कि जितने भी एलिमेंट आपने सी माइनस बी के माने हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ए में आ गए। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए इज सबसेट ऑफ सी माइनस बी, और आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बाय वन एंड टू आप क्या कह सकते हैं? एक सेट दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का सबसेट है, इसका मतलब दोनों जो सेट है वो बराबर है। क्लियर? तो ये आपने यहां पर प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे सेट पे बेस्ड, जैसे कम्यूटेटिव रूल, एसोसिएटिव रूल, ये आपके करे हुए हैं तो वो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव रूल बेसिकली होता है, कम्यूटेटिव रूल क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन है, हम भी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या ऑपरेशन है? तो कोई ऑपरेशन है, सपोज हम उसको स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो किसी दो एलिमेंट में ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाते हैं। तो ए स्टार बी अगर हम इसको अप्लाई करें और बी स्टार है और ये रिवर्स करने पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़े, रिजल्ट सेम आए, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन स्टार है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। जैसे एडिशन, क्या एडिशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है? रियल नंबर्स पर हम बात करें कि क्या ए और बी को जोड़ने पर ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम आता है? यस, ए प्लस बी इक्वल इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप ये कह सकते हैं कि एडिशन सेटिस्फाइंग कम्यूटेटिव रूल। इसी तरीके से क्या सब्ट्रैक्शन है? ए माइनस, वो अगर हम ए और बी पे अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी निकालें पहले या फिर बाद में बी माइनस ए निकालें, क्या दोनों एवरी वैल्यू फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ जितने भी वैल्यूज ए और बी के लिए, क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए हमेशा इक्वल आएंगे? नहीं आएंगे। तो सब जिसका मतलब है सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव रूल। ओके, तो ये कम्यूटेटिव रूल है। अब बात हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर सेट है उस सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है जो कि कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेंगे। जैसे यूनियन, ए यूनियन बी और बी यूनियन सेम आएगा, तो यूनियन क्या करेगा? कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा। इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम आता है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल हमारा कौन सा है। नेक्स्ट रूल है हमारा एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव रूल जो हमारा है, जो लॉ है हमारा एसोसिएटिव, एक्चुअली में क्या है कि हमारा इस एसोसिएटिव लॉ में एक ही ऑपरेशन होता है लेकिन एलिमेंट जो होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं, तीन होते हैं। तो जैसे ये एक्चुअली में ये जो ऑपरेशन है, जैसे एडिशन है आपका या मल्टीप्लीकेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम वैसे तो हम जोड़ लेते हैं कि मैं आपको टू थ्री फाइव को ऐड करो, तो टू थ्री फाइव को ऐड करोगे तो आप बताओगे टेन है, वो तो कर लोगे। लेकिन रूल क्या कहता है कि टू और थ्री को पहले ऐड करें या फिर बाद में फाइव को ऐड करें, या पहले थ्री और फाइव को ऐड करें और बाद में टू को ऐड करें। तो ये कहेंगे एक एट अ टाइम दो ही एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो, और कम्यूटेटिव रूल से ऐसा कोई करेक्शन नहीं है, तो इसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर कोई दोनों बातों को फॉलो करता है तो वो कम्यूटेटिव रूल और एसोसिएटिव रूल दोनों को मानता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एसोसिएटिव रूल को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ऑपरेशन स्टार ऐसा है कि वो एक दो तीन तीन एलिमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन, तो या तो ऐसे करें या फिर हम यहाँ ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने का मतलब हम एसोसिएटिव कम्यूटेटिव रूल पे आ रहे हैं।
अभी हमें स्पेशली इंडिविजुअली हमें एसोसिएटिव रूल को समझना है कि वो तीन ऑपरेशन तीन एलिमेंट में अप्लाई होता है, तो ए स्टार बी ऑफ स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ऑफ बी स्टार सी, यानी ब्रेकेट आप पहले दो में लगाए या दूसरे तीसरे में लगाए, रिजल्ट अगर सेम आता है तो भी कहते हैं कि स्टार जो है वो एसोसिएटिव रूल को सेटिस्फाई करता है, कि सेटिस्फाई एसोसिएटिव रूल। तो ठीक इसी तरह से हमारे पास जो सेट है उस सेट में कौन सा ऑपरेशन है कि जो एसोसिएटिव रूल को सेटिस्फाई करता है, यूनियन करता है, क्योंकि ए यूनियन ऑफ बी वो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी ऑफ यूनियन सी। इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन बता सकते हैं ए सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारा एसोसिएटिव रूल है और ये हम लोगों में ये जो हम पढ़ रहे हैं सेट की थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हैं कौन कौन से ऑपरेशन इस एसोसिएटिव रूल को सेटिस्फाई करते हैं। ओके नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम आते हैं और हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल जो हमारा है इसमें एक बार में दो ऑपरेशन होते हैं, एक नहीं होता है, एसोसिएटिव में एक होता है बट इसमें दो ऑपरेशन होते हैं और ये तीन एलिमेंट पर जैसे कि एबीसी। अब जैसे यहाँ पर हमने स्टार लिख दिया और यहाँ पर हमने कोई दूसरा सिंबल लिख दिया जैसे कि ये बिंदी लगा दी। ओके तो एक बार में दो ऑपरेशन हो, अब जैसे हम करते हैं ना इनटू में तो यहाँ पर इसको ऑपरेट करेंगे ए स्टार ऑफ बी इस तरीके से और ए स्टार ऑफ सी, जब करते हैं ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी फिर ए इंटू सी ऐसे अलग अलग इंटू करते हैं फिर प्लस लिखते हैं, तो ये हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल का एक एग्जांपल है और इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल एडिशन अवर प्रोडक्ट, यानी एडिशन आएगा और उसके बाद ऐसे लिखेंगे एडिशन अवर प्रोडक्ट ओ वी ई आर अवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट का सिंबल बाहर है तो अवर प्रोडक्ट ऐसा बोला जाता है और यहाँ पर उसी चीज को हम यहाँ कह रहे हैं कि क्या अगर ये जो हमारा पास ऑपरेशन जो आया है और अगर ये बात सही होती तो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल होता। अब हम बात करते हैं सेट थ्योरी को, पर्टिकुलरली हम सेट थ्योरी पे आना है तो सेट थ्योरी के अंदर हमें ए ऑफ यूनियन, जैसे यहाँ पर हम सेट थ्योरी में तो सेट्स होते हैं तो ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होगा ए यूनियन बी ए यूनियन सी और बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ऑफ ए यूनियन सी और बीच में इंटरसेक्शन। इस तरह से हम यहाँ पर इंटरसेक्शन बार, ये तो हो गया आपका इंटरसेक्शन अवर यूनियन और ये हो गया आपका यूनियन अवर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। अब आप इन सबको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे आप प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो उसका कोई एलिमेंट माने उसमें लेके आ जाए और उसका और आप उसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली वेन डायग्राम वाला जो प्रूफ होता है वो वेरीफाई कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं और ये जो हमारा प्रूफ है कि जब भी हमें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी तो हमें ए में कोई एलिमेंट माना है वो बी में लेके आना और फिर बी का कोई एलिमेंट मानना है आप उसको बी में ला सकते हैं। आप इसको मैथमेटिकली आपको वर्बल बोल के भी बता सकूंगा, आपको प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तो कैसे करेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू माना लेट एक्स बिलोंगिंग टू तो एक्स एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी में, इसका मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज एक्स इज बी यूनियन सी। अब एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज एंड और बीच में आएगा एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, अब ए में तो है और बी और सी में से दोनों में से किसी एक में, तो अगर वो बी में आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा अदरवाइज ए इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा। अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में आ गया अदरवाइज ए इंटरसेक्शन सी में आ गया मतलब यूनियन में तो आएगा ही आएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। और दूसरा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो मैं आपको यहाँ पर मेथड बताया था ये प्रूफ करने का कि जैसे मैंने कहा था कि आपको ए इक्वल टू सी माइनस बी लिखो तो पहले आपने ए का एलिमेंट माना था और फिर सी माइनस बी में लिया गया है तो फिर उसके बाद आपने दोबारा किया इसी चीज को वाई मान करके, ओके दोबारा आपने उसी चीज को किया वाई मान करके जस्ट अ मिनट एक सेकेंड तो दोबारा जैसे आपको ये प्रूफ करना था कि ए इक्वल टू सी माइनस बी तो पहले आपने ए का कोई एलिमेंट माना और फिर उसे कैसे भी करके आप सी माइनस बी में ले आए, ओके और वो सी माइनस बी में आ गया तो ए सी माइनस बी का सबसेट हो गया, फिर उसके बाद आपने सी माइनस बी में कोई एलिमेंट माना दोबारा इसी चीज को फिर वापस हमने किया, वो प्रैक्टिस के पॉइंट से मैंने समझाया था लेकिन जब हम ये कर लेते हैं तो इसी में अगर हम डबल इंप्लाइज का साइन लगाते हैं डबल इंप्लाइज की जगह ये जो इंप्लाइज है अगर इसकी जगह हम डबल इंप्लाइज का साइन लगा दें तो ये एक बार में इंप्रूव हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा, यानी कि दोनों एक साथ हो जाएंगे तो एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाएंगे और ए इक्वल टू सी माइनस बी आ जाएगा। तो ये सारे प्रूफ जो हमने यहाँ पर आपको बताया मैथमेटिकली ये जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ एसोसिएटिव रूल सबको प्रूफ आप कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे आप डी मॉर्गन्स रूल, जो डी मॉर्गन्स रूल को ए यूनियन बी होल डैश कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है, ए यूनियन बी होल डैश जो होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश,
इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो वोल्टेज होगा वो ए डैश यूनियन। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, अभी तो हमने चार रूल पढ़े, बहुत सारे रूल्स हैं। हमें उस रूल का फॉर्मूले से मतलब है, उसका क्या नाम है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपको याद है कि ए यूनियन बी का होल डैश, आप जब भी ए यूनियन बी का होल डैश है तो आपको ये पता है कि ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटर बी, अगर आपको पता है तो ये इनफ है। इससे मतलब नहीं है कि ये डी मॉर्गन रूल है, हमें इसका नाम पता है कि नहीं पता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी जिन जिन के नाम थे वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ आपको ऐसे रूल बता रहा हूँ जिनके नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो रूल की फॉर्म में, एक प्रैक्टिस के पॉइंट से मैं आपको एक नोट की फॉर्म में आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा, ये आएगा। ओके, किसी तरीके से यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप सोचो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ओके, अगर मैं किसी सेट ए को यूनिवर्सल के साथ यूनियन करूं तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। या प्रैक्टिस करें, अगर किसी सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए। क्लियर, अगर किसी सेट ए का फाई के साथ यूनियन करूं तो क्या होगा, ए। अगर किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करो तो क्या होगा, फाई। तो ये सब आपको याद रखने हैं, ये बहुत बेसिक रूल्स है। ए यूनियन यूनिवर्सल, ए यूनिवर्सल होगा, ए इंटरसेक्शन। अच्छा, अगर किसी सेट ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट। और अगर किसी सेट ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करो तो फाई आएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अब रूल मैं बताने जा रहा हूं, वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए माइनस बी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करें तो आप कर पाते हैं। ये हमारे क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और हम ही जो सेट थ्योरी वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये आप आज करें। जो अपनी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास होगी उसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे का सेट, मतलब हम करेंगे सेट को ही, पर वो प्रोबेबिलिटी में कैसे काम आता है ये जरूर मैं आपको समझाऊं, ठीक है। फॉर्मुलेज भी होंगे उसमें एडिशन थ्योरम पर बेस्ड, तो वो फॉर्मूले हम बनाएंगे, हम उन्हें रटेंगे नहीं, हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले आप इसको समझें, इसको प्रूफ करें कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए माइनस, आप इसे प्रूफ कर सकते हैं उसी मेथड से कि जब आप दो सेट को इक्वल कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम ये लास्ट प्रॉपर्टी आज प्रूफ करने जा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू इज नथिंग बट ए माइनस बी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सेट ए और बी को इक्वल प्रूफ करना हो तो आप पहले एक्स जो एक एलिमेंट है वो सेट ए में मानेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स कंसिडर किया ए इंटरसेक्शन बी डैश का एलिमेंट माना, और अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट है इसका मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी डैश। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश का मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो एक्स ए का एलिमेंट है एंड बी का एलिमेंट नहीं, मतलब ए माइनस बी का एलिमेंट। फाइनली आपने प्रूफ कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। इसी तरह से अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे ऐसे करके कि x माना कि x एलिमेंट a माइनस बी का है, अगर x a माइनस बी का एलिमेंट है इसका मतलब a का एलिमेंट b का एलिमेंट नहीं है, b का एलिमेंट नहीं है इसका मतलब x a का एलिमेंट और b डैश का भी एलिमेंट है, तो वो a इंटर b डैश में आ जाएगा। तो आपने प्रूव कर दिया कि a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b डैश इज नथिंग बट a माइनस। चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है, थ्योरीज पढ़ लिए है, बहुत सारे एग्जांपल भी आपने किए हुए हैं, सर ने आपको करा दिया है। अब मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो जेईई मेंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और कुछ वैसे क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को मजबूत बनाएंगे। चलिए उन्हीं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, कंसेप्ट के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग तरीके से देखेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बहुत मजबूत हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहले बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा। एक क्वेश्चन सबसे बेसिक है जो न्यूमेरिकल लेवल के क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकली में इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का कंसेप्ट यहीं से आएगा। सबसे पहले कंसेप्ट ये है, देखो नंबर ऑफ यू मतलब कि हम लोग इसमें ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो 700 एलिमेंट्स गिवन है। ओके, सेट ए है जिसमें 200 एलिमेंट्स है और सेट बी है जिसमें 300 एलिमेंट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 100 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन डैश नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हम लोगों को निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए नंबर ऑफ यू जो है वो 700 है, अच्छी बात है भाई। कह रहा है कि नंबर ऑफ ए जो है 200 है, नंबर ऑफ बी मतलब सेट ए में 200 एलिमेंट्स है, सेट बी में 300 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में
100 एलिमेंट्स है, ये इस तरीके से गिवन है, और नंबर ऑफ एन ए डैस इंटरसेक्शन बी डैस निकालना है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है यही तो है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश। डिमॉर्गन्स लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं तो हमारा काम आसान बन जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप जानते हो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो गया, नंबर ऑफ ए आपका वैल्यू पता है 200, नंबर ऑफ बी आपको पता है 300, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 100, ये 400 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 400 आ जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब इसमें क्या है, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि ध्यान से देखना। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश, मतलब जो ए यूनियन बी में नहीं हो तो क्या होगा, टोटल जो होगा यूनिवर्सल सेट उसमें से नंबर ऑफ ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको दिया हुआ है 700, ये आ गया 400, ये आपका 300 जो है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश आया, यही है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये क्या होता है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समझना पड़ेगा ना कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इसमें। तो देखो जैसे क्या होता है, आप ऑब्जर्व करना, कई बार जैसे आप बहुत सारे बच्चों से पूछना कि कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले मान लीजिए कि आपको मिल गए 100 लोग। आप देखोगे किसी से पूछो फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, कहेगा कि 50 लोग, 150 लोग हो गए। और आप टोटल आदमी को काउंट करोगे ना तो देखोगे यार 120 ही आदमी है वहां पे, टोटल 120 आदमी ही अवेलेबल है। कहोगे क्रिकेट खेलने वाले 100 मिल गए, क्रिकेट फुटबॉल खेलने वाले 50 मिल गए, तो 150 लोग होना चाहिए ना, 150 लोग होना चाहिए, लेकिन हो गए आदमी तो 120 ही है। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा 30% जो थे वो दोनों खेलते थे, मतलब वो क्रिकेट वाले में भी उन्होंने हाथ उठाया हैंड रेज कर दिया और फुटबॉल वाले में हैंड रेज किया, दोनों में भी हैंड रेज किया, इसका मतलब कुछ लोग दोनों वाले भी हैं। उन दोनों वाले को दिखाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का यूज किया जाता है। नंबर ऑफ ए का मतलब ए वाले मतलब क्रिकेट खेलने वाले, बी मतलब फुटबॉल खेलने वाले, ये है। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब जो फुटबॉल क्रिकेट खेलते होंगे, या तो फुटबॉल खेलते होंगे या तो क्रिकेट खेलते होंगे या तो दोनों खेलते होंगे, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, दोनों में से कम एक गेम जरूर खेलते होंगे, वही नंबर ऑफ ए यूनियन बी है। अब कौन नहीं खेलते होंगे उस तरह का निकालना है, तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब चलिए हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है जेई मेंस एग्जाम 2024 का, मतलब इसी साल का है, 6 अप्रैल के दिन ये पूछा गया था, 2024 का पेपर का क्वेश्चन है, इसी साल का है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू 100 से लेकर 7 लॉ, ये दिया हुआ है, a का वैल्यू निकालना है, लेकिन कह रहा है कि n ये इतना दिया हुआ है, इसमें से इंटरसेक्शन भी करना है n का, और n क्या है, n इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 4, जो 3 का भी मल्टीपल नहीं है और 4 का भी मल्टीपल नहीं है, वो नंबर हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो समझने का प्रयास करो इसमें टोटल है कितना यार, इसमें कौन कौन है, तो ये 100 से लेकर 700 तक सारे नंबर है, लेकिन जब n की बात की जा रही है नेचुरल नंबर की, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, अगर देखा जाए तो टोटल कितने हैं, तो देखो 1 से लेकर 7 लॉ होता 700 होता, 1 से 99 कम हो गए तो 601 है, ठीक है 700 में से 99 कम हो गया, 1 से 99 तो नहीं है, तो 601 टोटल एलिमेंट है किसमें, एन में। अब उसमें से हम लोग करना क्या है, ये एन निकालना है, एन सच दैट एन इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आपको क्या करना है मल्टीपल ऑफ 3, देखो तो मल्टीपल ऑफ 3 बताओ क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 बताओ क्या होगा, 100 से बड़ा क्या होगा, 100 तो नहीं है, 101 नहीं है, 102 है, 105 है, 108 है, .. ये देखो 700 तो नहीं है, 699 है ना, बिल्कुल 699 है। इसमें टोटल ये कितने हो गए ये बताना है, ये टोटल कितने है बताओ, तो ये कितने है बताना है, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एपी में आपने पढ़ा है, तो ये
ये तो 699 है, ए 102 है, एन माइनस वन डी के जगह पर 3 है, ठीक है। तो यहां से एन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये 699, ये 109 में से 3 गया तो 99 हो जाएगा, 102 में से 3 गया तो 99 हो जाएगा, ठीक है। ये 99 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 3n, ये 600 हो जाएगा माइनस 3n, n का वैल्यू हो गया 200। ये हम लोग निकाल रहे हैं, n क्या कहो, वो n नहीं है, ये वाला n नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो 200 मिला। तो मल्टीपल ऑफ 3 तो आपने निकाल लिया यार, अब क्या निकालना है आपको, आप निकालो अब मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, देखो ये 100 से शुरू हो जाएगा, 104 हो जाएगा, जाते जाते 700 तक जाएगा, सबके सब हो जाएंगे विचार, ये जितने भी हैं, 4 का मल्टीपल हम लोगों को निकालना था, ये हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो तो इसमें करोगे tn फॉर्मूला जो लगाओगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चलो 700 यहां डाल दो, a के जगह पर 100 से शुरू है, n माइनस वन और ये 4, ये हो जाएगा 700 और ये प्लस 96 माइनस 96, देखो 100 में 4 गया तो 96 हो जाएगा ना, तो यह घट जाएगा जाके, और ये हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा 96 कम हो गया तो ये 604 हो जाएगा, ये 4n, n की वैल्यू हो जाएगी 151, n की वैल्यू 151 हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब कह रहा है कि 3 और 4, अब हम लोग को ये भी निकालना पड़ेगा कि मल्टीपल ऑफ, मैं यहां लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 12 निकालो, ये कितने आएंगे। तो आपको इसमें करना क्या है कि मल्टीपल ऑफ 12 भी आपको पता करना पड़ेगा, तो 12 का मल्टीपल कितना आ रहा है बताओ, तो ये देखो तो 108 से शुरू होगा, फिर ये 120 और ये लास्ट तक कितना होगा, 700 में तो 12 से भाग नहीं लगेगा, 700 में नहीं लगेगा, 700 में 12 से लगेगा, 12 × 5 = 60, 60 और ये हो गया 100, तो 12 × 4 में 4 कम हो जाएगा, तो 696 में लगेगा, ठीक है 696 में लगेगा, ये 696 तक जाएगा बेटा। ये टोटल एलिमेंट कितने हैं ये बताना है हम लोग को, तो देखो इसमें भी वही निकालो, ए टीएन निकालोगे तो टीएन को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 696, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 108 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर आप 12 डालोगे, ये हो जाएगा 96 में, तो 600 पूरा आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये 96 जाके घट जाएगा तो ये 600 और ये हो जाएगा 12n, तो n की वैल्यू 50 आ जाएगी, मतलब 50 ये हो गए टोटल। तो अब हम लोग करना क्या है यार, तो हम लोगों को देखो टोटल तो पता ही था कि हम लोगों के पास 601 है, अब आपको करना क्या है कि ये 200 है, देखो तो हम लोग वो नंबर निकाल रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 और 4 हम लोग ये निकालेंगे, ये कितना होगा देखो 200 ऐड हो जाएगा, 200 3 वाला और 4 वाला 151 और 50 इसमें से कम हो जाएगा यार, क्यों 50 कम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों से में था, दोनों से डिवाइड हो रहा था, तो इसको करोगे तो 200 और 150 301 आ गया बेटा। लेकिन हम लोगों को क्या करना था, ये मल्टीपल ऑफ 3, अब हम लोग कह रहे हैं कि वैसे नंबर जो 3 से मल्टीपल ना हो, तो अब हम लोग निकालेंगे नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और 4 से मल्टीपल नहीं हो, तो टोटल 601 था माइनस 301, क्योंकि हम लोग ये दिया गया था 100 से 700 के ही बीच में निकालना था, ये आपका 300 हो गया, ये आपका बेटा 300 फाइनल आंसर हो गया, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था, ठीक है, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था, ठीक है, ये 300 ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ये एक क्वेश्चन था बेहतरीन 2024 में
पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसी ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि लेट, ये भी 2024 का ही पूछा हुआ है और ये जनवरी में है, जनवरी में पूछा गया था, वो अप्रैल वाला क्वेश्चन था, ये जनवरी वाला क्वेश्चन। देखिए, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स विथ एम एंड एन एलिमेंट्स। देखो, ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी सेट्स ए इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, मतलब कि 2 to the power m जो है वो 2 to the power n से 56 ज्यादा है, ये कह रहा है। यानी 2 to the power m माइनस 2 to the power n इज इक्वल टू 56 है, ये कह रहा है। देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा, p हो जाएगा m n। अब m और n का वैल्यू पहले निकालो। चलो निकालते हैं हम लोग। इसमें से हम अगर मान लो कि 2 to the power n को कॉमन कर ले, 2 to the power m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, ये 56। अब ये दो नंबर है, कंजिक्यूटिव नंबर है, ये आपको पता चल ही रहा है, ये इसे कम है ना। तो ये 2 to the power n और 2 to the power m माइनस n, माइनस 1 को लिख सकते हो 8 into 7। ये 2 to the power n 8, n की वैल्यू 3 मिल गई। अब 2 to the power m माइनस n माइनस 1 ये 7, 2 to the power m माइनस n 8, m माइनस n 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 जो है 2 to the power 3 में कन्वर्ट होगा, ये 2 to the power 3 होगा ना। तो ये m, यहाँ पर n का वैल्यू 3 पता है, m का वैल्यू 6 हो गया। इससे आपको पता चल गया कि पॉइंट P है जो 63 है, ये 63 मिल गया हम लोगों को बेटा, ये क्या मिल गया 63। m और n का वैल्यू पता है और q जो है वो -23 है, ठीक है। तो पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू। ये रूट अंडर, तो 6 2 8 8 का स्क्वायर, 3 और 2 3 जीरो का स्क्वायर, -2 -3 है यार, 3 3 6 6 का स्क्वायर, तो 64 36 रूट अंडर 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पी क्यू की वैल्यू जो हो गई, लेंथ जो निकालना था वो आपको 10 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर पाए और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन टाउन, ये पीवाईक्यू का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्टेन टाउन 25% ऑफ फैमिलीज ऑन ए फोन, मतलब 25% लोग फोन यूज करते हैं, ठीक है, एंड 15% ऑन ए कार, 15% लोग कार यूज करते हैं, ठीक, 65% फैमिलीज ऑन नाइदर फोन नॉर कार, और 2000 फैमिली ऑन बोथ ए कार एंड ए फोन, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स। 5% फैमिली ऑन बोथ एंड बोथ ए कार एंड ए फोन। तो देखो, मतलब देखो हम लोग ये कहेंगे कि जितने भी फैमिली रहते हैं उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स मान लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैमिली इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो अब कह रहा है इन्हें टाउन 25% जो है, 25% ऑफ द फैमिली ऑन ए फोन, चलो तो फोन यूज करने वाले 25% है, तो 25% ऑफ एक्स, एक्स हमने माना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/100 × x, यानी 3x/4 हम लोगों को ये मिला। चलो ये ठीक है, फोन का पता चल गया, ठीक है। 15% ऑन कार, तो कार वाले देखो 15%, तो 15% ऑफ x, तो ये हो जाएगा, ये 15/100 होगा ना, तो 3 5 15 20, 3x/20 आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया, ठीक है। 65% फैमिली कुछ भी यूज नहीं करते हैं, 65% फैमिली ऑन नाइदर ए फोन नॉर ए कार। अच्छा, मतलब ये फोन भी यूज नहीं करते हैं और कार भी यूज नहीं करते हैं, ये कितने हैं 65%, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं पी यूनियन सी का डैश, पी यूनियन सी का डैश, ये कितने हैं यार, ये है आपको 65% ऑफ एक्स, एंड इसको मैं यहां करना चाहूं तो ये हो जाएगा 65/100 × x, ये आपका हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका अरे यार 13 हो जाएगा ना ऊपर, चलो 13 और ये 13 × 5 = 65 × 20 = 100 तो 13x/20 ये आपको मिल गया। ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन था वो गिवन था, उसको हमने अभी तक लिखा है, ठीक है। और x मान लिया था टोटल फैमिली को। अब सुनिए, कंसीडर द फॉलोइंग, एक मिनट। इन अ सर्टेन टाउन 25% ऑफ द फैमिली ऑन ए फोन, 15% ऑन ए कार, 65% फैमिली ऑन नाइदर ए फोन नॉर ए कार, एंड 2000 फैमिलीज ऑन बोथ ए कार एंड ए फोन। अब सुनो, दोनों यूज करने वाले 2000 फैमिली है। तो चलो पहले तो ये समझो कि जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पी यूनियन सी का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ सी और माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन से, यही होगा। तो हम लोग देखेंगे पी यूनियन सी कितना था, हम लोग तो टोटल एक्स माने थे, नहीं पी यूनियन सी निकाले हैं ना हम लोग, पी यूनियन सी टोटल फैमिली हम लोग निकाल, ठीक है, हम लोग को पता है टोटल एक्स है। पी यूनियन सी हमने निकाला है क्या, एक्स माइनस ये पी यूनियन सी का डैश निकला है, तो पी यूनियन सी भी हम लोग को पता है कैसे, एक्स में से इसको घटा दो। अगर हम कहें कि नंबर ऑफ, अगर हम कहें कि नंबर ऑफ पी यूनियन सी बताओ, तो एक्स माइनस 13x/20 करोगे, ये 20 और 7x/20 आ जाएगा। तो हम लोग यहां डाल देंगे 7x/20, ये हमने पी यूनियन सी डाल दिया 7x/20। पी कितना है, 3x/4, ठीक है, 3x/4। हमें तो चाहता था ना कि 25x वैसे ही छोड़ देना चाहिए था, ये भी हम करते तो अच्छा ही रहता, ठीक है, ये भी करते तो हम लोग के लिए अच्छा ही रहता, मैं वैसे ही छोड़ता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देखना मैं कैलकुलेशन में कमी कर रहा हूँ, ये ऐसे ही छोड़ दो, 25x/100 ही छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, ये 25x/100 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देंगे 15x/100, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 15x/100 ये हम छोड़ रहे हैं, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये 65x/100, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 65x/100, ये हो गया। और ये भी देखोगे तो 35x/100 आ जाएगा, ठीक है, 100 में से घटेगा तो ये तुम्हारा आ गया x माइनस 65x/100, तो ये आ जाएगा 35x/100। हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे 35x/100। अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ पी कितना है, ये तुमको पता है 25x/100, नंबर ऑफ सी ये पता है 15x/100, और नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखो ये करोगे ना तुम लोग, ये देखो इसमें से ये 25 और 15 कितना हो गया 40, और ये इधर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी जो आएगा ये 40 में से 35 गया, तो ये 5x/100 आएगा, 5x यानी कि 5% आया, 5%। अब 5x/100 जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है 2000, तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा, जैसे कैसे ये देखो, ये 5 से ये जाके कटेगा 400 बार में, और 4 से ये 40,000 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 40,000 आ गया, मतलब टोटल 40,000 लोग उठाते थे। तो अब सुनते जाओ, 5% फैमिली ऑन कर दे, देखो 5% हमने निकाला हुआ है यहाँ पर बेटा, 5% ये आ गया है, तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, 5% फैमिली ऑन बोथ एंड ए कार एंड फोन, ठीक है, अरे 35% फैमिली ऑन आइदर ए कार और ए फोन। अब ये हम लोग 35% निकाल चुके हैं, ये वाला यही निकालना था, तो ये भी निकल चुका है, बी भी सही है, 40,000 फैमिली लाइव लिव इन द 40,000, ये भी सही है, मतलब ए बी सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ये आंसर हमारा ओवरऑल सही माना जाएगा, समझ में बेहतरीन आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट्स, 220 स्टूडेंट का सर्वे हुआ। अब ध्यान से देखना, 2024 का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है,
ये आपका न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखना। इन द सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट्स, मतलब दो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 220, अब कह रहा है ऑफ ए हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है कोई बात नहीं। इट वॉज फाउंड दैट एटलीस्ट 125 एंड एट मोस्ट 130 स्टूडेंट्स स्टडीड मैथमेटिक्स। देखो यहां से कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताया गया, यहां से यहां तक मतलब 125 से 130 के बीच में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 125 से 130 के बीच में, अच्छी बात है। एटलीस्ट 85 एंड एटमोस्ट 95 और एटमोस्ट 95 स्टडीड फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही केमिस्ट्री के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन गिवन है। 30 स्टूडेंट्स बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अच्छी बात। 50 स्टूडेंट्स बोथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 40 स्टूडेंट्स बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड 10 स्टूडेंट्स नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैथ फिजिक्स में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली बी द लीस्ट एंड द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, देन एम प्लस एन, मतलब आपका जो कहानी है ऑल सब्जेक्ट पढ़ने वाले को समझना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले से पता है कि आप इसमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हो जो कि यूनिवर्सल सेट को दिखाता है, यूनिवर्सल सेट। इसमें 220 स्टूडेंट है, टोटल यूनिवर्सल सेट में 220 स्टूडेंट है, टोटल यूनिवर्सल सेट की बात हो गई। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम तीन सर्कल बनाएंगे मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमने बना दिया। अब देखो यहां पर मान लो मैथ्स को बता दिया, यहां पर फिजिक्स को और यहां पर केमिस्ट्री को, ये हमने किया। अब सुनो, अब बात हो रही है तीनों सब्जेक्ट की, तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले को हमने एक्स मान लिया। ये एक्स क्यों माना, बिकॉज हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो अब हम लोग इक्वेट अब यहां पर लिखना शुरू करेंगे, कौन कौन चीज कैसे कैसे गिवन है, ठीक है। चलो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अब यहां से x हमने भर दिया 220 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट, अब यहां से देखते जाओ क्या क्या कैसे गिवन है। तो इसमें कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट एटलीस्ट 125 एंड एटमोस्ट 130 स्टूडेंट स्टडीड मैथमेटिक्स, ये तो बात की बात है, मैथमेटिक्स यानी कि पूरे की कहानी कही जा रही है, ठीक है पूरे की कहानी। तो हम लोग को सब फील करना पड़ेगा, देखो मैथ्स पढ़ने वाले को, मैथ्स पढ़ने वाले को मैं यहां पर ए मान लेता हूं, जो केवल मैथ्स पढ़ते हैं उसको हमने ए मान लिया, केवल फिजिक्स पढ़ते हैं उसको बी मान लिया, और केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको हमने सी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए बी सी हमने भर दिया। अब देखो यहां पर क्या क्या बोला गया है उसको हम लोग लिखेंगे। हम लोगों से बोला गया है इस इनइक्वालिटी को छोड़ के, यहां से देखो 30 स्टूडेंट्स बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 30 है, फिजिक्स के 30, ये देखो ये पूरा 30 का केस बन रहा है, दोनों का केस ये होता है, इसको आप लिखोगे 30 माइनस एक्स, यही आप लिखोगे 30 माइनस एक्स। 50 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री एंड मैथ, ये 50 माइनस एक्स यहां पर फिल होगा, 50 माइनस एक्स, और यहां पर भरोगे, थोड़ा समय और पतला कर देता हूं पेन को। चलो अब यहां से 40 स्टूडेंट्स मैथ एंड फिजिक्स, 40, तो यहां पर हम लोग भरेंगे 40 और माइनस एक्स, ये हमने यहां पर फिल कर दिया, और बाकी सारे कहानी हमें पता है। तो अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैं बात करूं कि एम यूनियन पी यूनियन सी टोटल, एम मैं यहां पर दूसरे कलर से कर देता हूं सॉल्यूशन में, एम यूनियन पी यूनियन सी ये करोगे, इसके टोटल नंबर कितने, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं या नंबर ऑफ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर में भी लिखना हो तो नंबर ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी हम लोग को लिखना है, ये कितने आएंगे। तो देखो तो सबसे पहले 220 स्टूडेंट टोटल थे, जिसमें से 10 स्टूडेंट जो थे वो पढ़ने वाले नहीं थे, वो पहले ही बोला हुआ है कि 10 स्टूडेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो 10 स्टूडेंट, ये 210 मिल गया,
मतलब कि एम यूनियन पी यूनियन सी कितना है 10, एम यूनियन पी यूनियन सी कितना है 210, 210 है, ये आपको समझ में बात आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें, हम लोग एम यूनियन पी यूनियन सी कितना है इसकी बात करें तो देखो तो ए है बी है और सी है, तीनों को जोड़ेंगे ए बी और सी, इन सबको जोड़ोगे एक्स 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 थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स हो तो माइनस टू एक्स हो जाएगा और ये 50, 30, 80 और 40 120 हो जाएगा, 120 ये हो जाएगा प्लस 120 और माइनस 2x ये जाके हो जाएगा 210। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बेटा उधर जाके घट जाएगा, ये 120 घटेगा तो 90 आ जाएगा, 90 प्लस 2x, यानी कि हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिल गया डेटा के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे की कहानी आगे देखेंगे, हम लोग देखते रहिएगा आप ध्यान से। इसमें अब बात क्या कही गई है उसको अब देखो, मैथ्स की बात कही गई है, मैथ्स देखो अब ध्यान से, मैथ्स की बात कही गई है कि ये 125 से लेकर 130 के बीच में है मैथ्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मैथ जो है 125 से लेकर 130 के बीच में है। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट एट लीस्ट 125 स्टूडेंट स्टडीड मैथमेटिक्स, अच्छा ये केवल मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, ठीक है मैथ्स की ही बात हो रही है तो ये ए की बात कही गई है, ठीक है ए की बात कही गई है, ए लाई कर रहा है 125 से लेकर 130 के बीच में, लेकिन ये ओनली बोला नहीं है यार, पूरा मैथ ही लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर पूरा मैथ लिखना पड़ेगा, ठीक है बोलता तब हम ऐसा करते, ओनली नहीं लिखा है, ठीक है ये पूरा मैथ लिखना पड़ेगा। चलो ये 125 हो गया, जो बोला है वो लिखेंगे, तो मैथ्स में क्या है ए है और ये देखो 50 और 40 90, तो ए प्लस 90 और ये हो जाएगा देखो ये एक्स एक्स कट जाएगा और ये एक्स 90 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 130 के बीच में, ए प्लस 90 माइनस एक्स हो गया, ए प्लस 90 माइनस एक्स हो गया इसका वैल्यू मैथ्स का, और यहां से चाहें तो आप ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, हम लोगों तो एक्स फाइंड आउट करना है ये ऐसे ही रहने देते हैं हम। वैसे ही हम लोग फिजिक्स के लिए भी जानते हैं, फिजिक्स के लिए कि मैंने 85 to 95 फिजिक्स, चलो 85 to 95 हम लोग यहां लिख लेते हैं 85 to 95 फिजिक्स 85 to 95 फिजिक्स कितना है बताओ, ये हो जाएगा 40, 30, 70 70 माइनस एक्स ये हो जाएगा 85 ये हो जाएगा बी प्लस 70 माइनस एक्स ये हो जाएगा 95 के बीच में, देखो यही ना पी का वैल्यू है 40 और 30, 70 हो गया और ये एक्स एक्स कैंसल ये माइनस एक्स ये हो गया, हम लोग सबको एक बार में जोड़ लेंगे आपको उससे आइडिया मिल जाएगा, ये अभी मैं अभी पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है केमिस्ट्री का वैसे ही देखो तो केमिस्ट्री कहां से कहां तक दिया हुआ है यार 75 to 90 केमिस्ट्री 75 to 90 केमिस्ट्री का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है तो 75 से 90 केमिस्ट्री कितना है भाई देखो ये 50 और 30, 80 है तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है 80 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा सी प्लस 80 माइनस एक्स, इस केमिस्ट्री के लिए हमने कैपिटल सी यहां लिखा था। ठीक है ये कैपिटल सी है ठीक है ध्यान रखना। चलो और ये हो जाएगा कितना 90। चलो ये हम लोग को मिला तीन रिजल्ट, अब हम तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है तीनों को ऐड करेंगे, मान लो कि ये 1 हो गया ये तुम्हारा 2 हो गया और ये तुम्हारा 3 हो गया,
देखो ये वन टू थ्री को ऐड कर दो, वन टू और ये थ्री को ऐड कर दो, यहां पर नहीं होगा, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं और वहां पर वन टू थ्री को ऐड करूंगा, ठीक है, वन टू थ्री को ऐड करूंगा मैं, वन टू और ये थ्री को ऐड करना है, ठीक है बेटा, वन टू और थ्री को ऐड करना है, करते हैं चलो। ये 90 इसमें से घट गया, मैं a माइनस एक्स को ले रहा हूं, ठीक है, 90 यहां से सब्सट्रैक्ट कर दो, मैंने यहां कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 90 यहां से घट गया, ये 35 हो जाएगा, तो a माइनस एक्स जो होगा 35 से लेकर 40 तक होगा, ठीक है, a माइनस एक्स 35 से 40 तक, तो हम लोग लिख देंगे 35 प्लस 35 से 40 तक है, ठीक है, 35 से 40 तक, यहां पर तीन लिखना है हम लोग को, यहां a माइनस एक्स है और ये यहां पर तीन बार ये भी लिखना है 40 तक, ये हमने फर्स्ट वाले को लिख दिया, देखो a माइनस एक्स ये आया, a माइनस एक्स का वैल्यू 90 यहां घट गया तो ये 35 आया और ये आपका 40 आ गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, a माइनस एक्स को हमने लिखा, चलो इसमें से आ जाओ b माइनस एक्स, अब आएगा यहां b माइनस एक्स और फिर आएगा c माइनस एक्स, इसका लोअर लिमिट कितना है, 85 में से 70 गया तो ये 15 हो गया और ये 25 हो गया, तो 15 से 25 यहां पर 15 लिख दो और यहां पर 25 लिख दो, 25 इसमें भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, एकदम नहीं होगी, ठीक है, चलो तीसरा c के लिए, c के लिए तो c के लिए ऐसे घटेगा, ये 75 से 90 ही था ना, c प्लस 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मैंने गलत लिख दिया ना, c का वैल्यू ठीक ही लिखा है, ठीक ही लिखा है ना, तो c का वैल्यू, c केमिस्ट्री एक बार मैं देख लेता हूं, एक बार रिमाइंड कर लेता हूं, केमिस्ट्री में मैंने क्या देखा था, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स और 30 माइनस एक्स, सही लिखा है, ठीक है, ठीक है, तो c माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपको पता ही है कि माइनस फाइव से लेकर और 10 तक होगा, c माइनस एक्स का वैल्यू माइनस फाइव से 10 तक होगा, ठीक है, तो यहां लिख दो माइनस फाइव और यहां 10, ये आप लिखोगे, ठीक है, ये आपको x के बारे में अब यहां से कंक्लूजन मिलेगा, ये 15 और 35 और 15 50, 50 में से 5 गया 45, ये आपका यहां 45 मिल गया, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस 3x इज लेस देन, और ये हो जाएगा 40 10 50 और 25 75 75, ये आपको ऐसे मिला। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपने निकाला हुआ है 90 प्लस 2x, ये 45 और ये हो जाएगा 90 प्लस 2x माइनस 3x, ये आपका 75, ये आपको पता चलेगा यहां पर, ठीक है, ऐसे। अब इसको करोगे तो 45 और ये 90, 2x माइनस 3x माइनस x और ये 75, 90 सब में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, 90 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस 45 और यहां माइनस x और यहां से 90 तो माइनस 15, तो यहां से ये पता चला कि 45 x की जो वैल्यू है 15 से लेके 45 मिला, इस तरीके से हम लोगों को पता चला ये, और ये जो हम तीनों को लिए थे, तीनों जो वैल्यू लिए थे, यहां पर इक्वल टू भी तो देना ही पड़ेगा ना, सबको ऐड करके इस बीच लाई करा, सब पर तो इक्वल टू था ही, शुरू से ही था, ठीक है, शुरू से ही इक्वल टू था, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, इक्वल टू सब पर ऑलरेडी था। अब एक कहानी ये है कि यहां पर आप देख रहे हो कि 30 माइनस एक्स जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स का वही वैल्यू लेना है जिससे ये सब पॉजिटिव है, 30 माइनस एक्स, मान लो यहां पर 31 ले लेते तो माइनस 1 हो जाएगा, तो वैल्यू वैलिड ही नहीं होगा, यहां पर ध्यान रखना है 30 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, 40 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, 50 माइनस एक्स
पॉजिटिव होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि ये कहता है कि एक्स 30 से छोटा है, एक्स 40 से छोटा, एक्स 50 से छोटा, तो कॉमन निकालोगे एक्स 30 से छोटा होगा, एक्स का वैल्यू 30 से छोटा, तो ये भी आपको यहाँ पर कंसिडर कर लेना है। एक्स की वैल्यू 30 से छोटा है, ये 15 से लेके एक्स का वैल्यू 30 तक पता चला, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। इससे आपको एम का वैल्यू पता चल गया कि 15 है और एन का वैल्यू 30 है, और आपको निकालना क्या था, एम प्लस एन। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा एम प्लस एन, यानी कि आपको 45 आंसर के तौर पे मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो कितना बेहतरीन सुपर्ब क्वेश्चन ये 2024 में पूछा था, ये आपको देख के मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2023 में। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एन ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए। वो एक इवेंट कराता है, एक दूसरा इवेंट बी कराता है, एक तीसरा इवेंट सी कराता है, ठीक है, तीन इवेंट कराता है, और तीनों इवेंट में कितना कितना मेडल बांटता है ये गिवन है, ठीक है। इफ दिस मेडल्स वेंट टू 60 मेन, वो 60 लोगों को मिलता है, एंड ओनली 5 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 इवेंट्स, सारे में तीनों में करने वाले 5 लोग हैं जिनको तीनों में मिलता है, देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स एग्जैक्टली टू। अब एग्जैक्टली टू वाला बात हो रहा है, एग्जैक्टली टू की बात हो रही है। तो देखो ये फॉर्मूला आप तो जानते ही हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ ए, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही है ना। तो चलो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 60 लोगों को मिलता है, ये दिया हुआ है 48, ये दिया है 25, ये दिया हुआ है 18, ये सबका वैल्यू हम लोग को निकालना है, सबका वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग लिख देते हैं समेशन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक लिख देने से उसी में सब आ जाएगा, तीनों को हम एक बार में लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ। और प्लस ये कितना है, 5 लोगों को तीनों मिलता है मेडल, ठीक है, इससे इसका वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो भी है समेशन हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब इसको सबको ऐड करो, 48 और 25, 48 और ये 30 हो जाएगा, 50 30 80, 78 78 10 88 और 8 96, तो 96 माइनस 60 ये हो जाएगा 36, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये 36, तो 36 मेडल ऐसे बट रहा है जो दो दो लोगों को मिल रहा है, दो दो जगह मिलता है, लेकिन दो वाले में तीन वाले भी आ जाते हैं, और इसमें तीन बार आया है। देखो वैसे लोग जो है जो ए और बी दोनों लिए, वो इधर भी आए हैं, बी और सी वाले इधर भी, तो तीन बार ये आए हैं, तो हम लोग को एग्जैक्ट टू निकालना है, ध्यान रखना है एग्जैक्ट टू। तो उसके लिए क्या करना, 36 माइनस, तीन बार ये 5 को घटाना पड़ेगा, तीन बार ये तीनों वाले हैं जो जो ए में भी लिए हैं, वो बी में भी लिए, वो सी में भी लिए हैं, तो तीन बार लिए हैं, तो तीन बार उनको माइनस करना होगा। तो ये 36 माइनस 15 करोगे ये 21 मिलेगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन था, ये आप कर सकते थे, बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, 23 का क्वेश्चन है, 2023, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये 2021 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन ए हॉस्पिटल, ऑल द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स है, 89% फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट अलाइनमेंट, चलो हार्ट का प्रॉब्लम है वो 89% है, 89%, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग टोटल को 100 मानेंगे, इसको 89 मान लेंगे उस समय, ठीक है, अलाइनमेंट। एंड 98 सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन वाले कितने हैं, 98%, के परसेंट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ एच इंटरसेक्शन एल, वो के परसेंट है, ठीक है, देन के कैन नॉट बी बिलोंग टू द सेट, जो बिलोंग नहीं करेगा। तो चलो ये बात तो जानते हो, एच यूनियन एल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एच
प्लस नंबर ऑफ एल माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एल, ये तो बहुत बेसिक चीज है, सबको पता रहता है, ठीक है ठीक है। और ये बात भी पता है कि अगर ये जीरो होता है तो उस समय ये जो हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम चाहें उसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये लेस देन ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग चाहें तो, कोई बुरा बात नहीं है, कर सकते हैं, मतलब बराबर भी हो सकता है, ये ज्यादा भी होता है कई बार, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे, एन ए क्वालिटी है, ठीक है। नंबर ऑफ एज कितना है 89, नंबर ऑफ एल कितना है 98, ये हम लोग को निकालना है, के है, मतलब 100 पर बात हो रही है सब कुछ, ठीक है। ये देखो तो कितना है के की वैल्यू, के ये 89 और 98 8, 9, 17 187 माइनस 100, तो के की जो वैल्यू है ये पता चल गया 87 से ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे, कॉमन बीमारी वाले जो होंगे, कॉमन मतलब जो दोनों में होंगे वो 87 से ज्यादा होंगे, 87 से ज्यादा परसेंट से ज्यादा, लेकिन दोनों में कॉमन, तो देखो दोनों में कॉमन में जब बात करोगे 89 और 98 दोनों में कॉमन, एक 89% वाले एच वाले हैं और एल वाले 98 है, तो कॉमन की जो बात होगी तो छोटा वाला ही लेना पड़ेगा। इससे ये पता चला कि के का जो वैल्यू है ये 89 मैक्सिमम होगा और 87 मिनिमम होगा, और ये 87 से 89 के बीच में ही होगा, 87 से 89 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो 87 से 89 के बीच में होगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि के कैनॉट बिलोंग, जो बिलोंग नहीं करेगा, देखो तो 80 सब बिलोंग, 89 उसमें आ जा रहा है, 84 88 उसमें बिलोंग कर रहा है, 85 83 81 ये बिलोंग नहीं कर रहा, किसी में बिलोंग नहीं कर रहा, देखो ये 79 81 83 85 कोई भी इसमें बिलोंग नहीं किया, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है देखो, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है इन ए स्कूल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गेम्स, एक स्कूल में थ्री टाइप्स ऑफ गेम्स है टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले टू टाइप्स ऑफ गेम बट नन प्ले ऑल द थ्री गेम्स, कोई भी नहीं है जो तीनों गेम खेलता हो, कुछ लोग दो गेम खेलते हैं, विच वेन डायग्राम कैन जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट, दो गेम खेलने वाले हो लेकिन तीनों खेलने वाले कोई नहीं हो। ये पी को देख के लग रहा है कि ये जो फिगर है ये इसमें भी है, इसमें भी और इसमें, तीनों में है, यहां भी देखने में लग रहा है कि ये जो है वो तीनों सर्कल में आ रहा है और यहां भी आ रहा है यार, तो ऐसा कोई केस ही नहीं है जिसमें तीनों नहीं हो, तीनों नहीं हो, इस तरह से नन ऑफ द अबव हमारा आंसर यानी कि बी हो जाएगा। बहुत ही इजी था, बच्चे बना सकते थे, कोई भी बना सकता था, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये तो मॉडुलस का बेसिकल क्वेश्चन है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, अब इसको सॉल्व करना है, मॉड एक्स माइनस थ्री और ये एक्स प्लस फोर का मॉड दिया हुआ है इज इक्वल टू सिक्स है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका होता है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मॉड आपको दिख रहा है ना, तो मॉड को जीरो कीजिए, इसको जीरो कीजिए, एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, ये एक्स की वैल्यू माइनस फोर आएगी। अब इससे अब केस वाइज सॉल्व करना पड़ता है, केस फर्स्ट लीजिए जब एक्स का वैल्यू माइनस फोर से छोटा हो, एक केस ये लीजिए, केस टू लीजिए जब माइनस फोर से लेके एक्स का वैल्यू जीरो तक हो, ठीक है। तीसरा केस लीजिए जब एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन इक्वल हो, बस यही तीन केस में इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आपको यहां गिवेन है मॉड एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर का मॉड इज इक्वल टू सिक्स, ये यहां भी लिखा जाएगा, ये इसमें भी लिखना, मॉड एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर का मॉड इज इक्वल टू सिक्स, ये सब में होगा, तीनों में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी लिखो मॉड एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर का मॉड, एक्स प्लस फोर का मॉड इज इक्वल टू सिक्स, ये आपको अब सॉल्व करना है यार। अब इसको सॉल्व करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सोल्यूशन मिल रहा है, ये तो पहले से पता है कि माइनस फोर से छोटा आप ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस फोर से छोटा लेंगे, देखो अगर जीरो लेते तो निगेटिव होता, ये माइनस एक्स आ जाएगा इसका वैल्यू, और ये माइनस थ्री, ये होगा माइनस फोर से छोटा लोगे ये भी माइनस में ही आएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये एक्स प्लस फोर हो जाएगा,
इज इक्वल टू 6। देखो बेटा ये हो जाएगा आपके x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं कहता हूं कि सॉल्व मत करो, दोनों आपको दिख रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि ये दोनों हीट एंड ट्रायल से बन सकता है। ये देखो 3 है और ये 4 है, तो एक से ये ज्यादा है, तो इसको 2 इंटू 3 लिख दीजिए, और x प्लस 3 को आप 2 लिखोगे, x का वैल्यू 1-1 आएगा, -1 आएगा, लेकिन एक ये 6 है तो -2 और माइनस दो बार में करना पड़ेगा, -2 और -3 भी करना पड़ेगा यार, एक बार मैंने सोचा ही नहीं, ये सोचना ही पड़ेगा ना, दोनों बात सोचो, हिट एंड ट्रायल ऐसे तो क्वाड्रेटिक आप कर लेना ना यार, तुम्हारे पास आता है, मेरे को भी आता है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट, ये -3 है और ये -2, दोनों तरीके से सोचेंगे। चलो इसको हमने x प्लस 3 को 2 किया, x का वैल्यू मिला -1, तो क्या ये -4 छोटा होता है? नहीं होता यार, ये तो वैलिड ही नहीं हुआ, लेकिन x प्लस 3 जो हुआ ये -3 के बराबर हुआ, x की वैल्यू 0, -3 हमने लिया ना, x प्लस 3 को ये माइनस माइनस कट गया, ये यार एक माइनस x माइनस 3 x प्लस 3 ये आपका x x प्लस 4 है और ये आपका x प्लस 3 है, तो हम लोग 2 इंटू 3 तोड़ दिए, एकदम सही तोड़ दिए, ठीक है, x प्लस 3 को हमने 2 किया तो ये -1 आ जाएगा, चाहे इसको x प्लस 4 को हम लोग 3 करेंगे तभी -1 ही तो आएगा, तो -1 क्या -4 से छोटा होता है? नहीं होता है, ये तो सोल्यूशन मिला नहीं। अगर हम लोग -3 इंटू -2 करें तो ये भी 6 ठीक है, तो -3 x प्लस 3 को -3 किए तो x का वैल्यू -6 आ जाएगा ना यार, ये x का वैल्यू -6 आ जाएगा, ये आपका एक सोल्यूशन मिल गया यार, एक सोल्यूशन तो आपको मिला, मैं इसको मार्क कर दिया, एक सोल्यूशन तो आपने यहां से निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4 से बड़ा लेना है और 0 से छोटा लेना है, तो -4 से बड़ा लोगे, 0 से छोटा, तो ये भी -x -3 यहां मिलेगा यार, और ये होगा आपका x प्लस, तो ये -4 से बड़ा लोगे तो ये x प्लस 4 ही निकलेगा, ये इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करना है तो शॉर्टकट करते हैं, कुछ शॉर्टकट अगर करें तो x प्लस 3 और ये x प्लस 4 ये -6 आ जाएगा। अब देखो तो ये एक ज्यादा वाला कैसे आएगा, कोई आएगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, एक ज्यादा पर आएगा नहीं आएगा, कर लेना इसमें नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब वैसे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर ला दो, आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, इस केस को सॉल्व करते हैं, तो ये कह रहा है कि एक्स माइनस 3 आ जाएगा सीधे और ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, हम लोग 0 से बड़ा ले रहे थे क्या, -4 से बड़ा, हाँ तो 0 से बड़ा मतलब -4 से बड़ा, तो ये x प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको अगर कुछ सॉल्व करने का तरीका हो, नहीं इसको तो हम क्वाड्रेटिक करते हैं, एक को तो कम से कम क्वाड्रेटिक किया जाए यार, ये x स्क्वायर, ये प्लस 4x -3x -12 इज इक्वल टू 6, ये x स्क्वायर प्लस x और ये 12 6 18 -18 इज इक्वल टू 0, तो 18 करना है हम लोग को, 18 करना है, 18 9 2 18 7 2 14 6 3 18 नहीं पता, चलो डायरेक्ट हम करते हैं -b प्लस माइनस √d बी स्क्वायर 1 -4ac तो प्लस 4 72/2। तो देखो एक माइनस में आ रहा है, ये तो पूरा माइनस में दिख रहा है कि माइनस में आएगा एक, और एक प्लस में आएगा, तो प्लस वाला हम लोग कंसिडर करेंगे और माइनस वाला कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 0 से बड़ा लेना है। इस केस में आपका एक सोल्यूशन इधर मिला, मैं ब्लू कलर ये पिंक कलर से कर देता हूं, तो एक ये मिला और एक ये मिला, तो दो सोल्यूशन बेटा मिलेगा इसका, इसमें आपको दो सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें दो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, इसमें कह रहा है कि ये सर्वे शोज दैट, एक सर्वे शो करता है 73% ऑफ द पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी, वेयर एज 65% लाइक टी, तो कॉफी वाले 73%, टी वाले 65%, ये कह रहा हु लाइक
डिनोट एक्स डिनोट परसेंट ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी, कॉफी और टी दोनों लाइक करने वाले एक्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स कैन नॉट बी, एक्स कौन नहीं हो सकता, अरे यार ये तो आपको पता ही है नंबर ऑफ सी यूनियन टी की फॉर्मूला होती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता ही है नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसे भी आप इस टेबल से भी आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, टोटल 100 है तो इसकी तो जरूरत नहीं है बाहर वाले के, ऐसे ठीक है तो है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ कहानी नहीं, कॉफी और टी के अलावा कुछ दिया भी नहीं है, तो ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है कि 73% कॉफी, दोनों वाले को हमने एक्स माना है एक्स, तो ये 73 माइनस एक्स हो जाएगा, कॉफी अगर लिखना है और यहाँ टी लिखना है तो 73 माइनस एक्स और ये 65 माइनस एक्स, यही लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो बेटा इसमें कह रहा है कि एक्स क्या हो सकता है, पहले निकाल लेंगे तो एक्स क्या नहीं होगा वो पता चल जाएगा, तो एक्स क्या हो सकता है ये निकालना हम लोग, ठीक है। चलो करो, ये आपका 100 है, अच्छी बात है, सी है 73, ये है 65, ये है एक्स, तो इसको जोड़ो, ये एक्स आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 3 = 8 × 6 = 13 138 माइनस 100, तो एक्स की जो वैल्यू होगी 38 से ज्यादा होगी और इनमें छोटे वाले से कम होती है, ये बात मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, छोटे वाले से कम होती है, ठीक है। 65 माइनस एक्स को पॉजिटिव करोगे तो 65 माइनस एक्स को पॉजिटिव करके ऐसे भी चेक कर लेना, 65 माइनस एक्स को पॉजिटिव तो एक्स 65 से छोटा या बराबर, और ये एक्स 73 से छोटा या बराबर, तो दोनों में कॉमन तो 65 से ही होगा, और वैसे भी मैंने बोला ही था छोटा वाला से, ये 38 से लेकर 65 तक वैल्यू आएगा एक्स का, तो 38 से 65 जो होगा वो आंसर मैच कर जाएगा कि जो कि वैलिड हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर कौन नहीं होगा देखो तो 38 से 65 ये तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि होगा तो नहीं होगा, मतलब ये वैलिड है तो नहीं होगा, ये भी वैलिड है उसमें है, ये भी वैलिड है तो कौन नहीं है 36, तो 36 यहां पर बेटा वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन 2020 में पूछा था, ये तो ये क्वेश्चन 2020 में था, अच्छा 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 अच्छा, ये पूछा था 5 सितंबर को, वाओ टीचर्स डे के दिन, और ये 4 सितंबर को पूछा था, मतलब एक और क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है यार। देखो, इन अ सर्वे शो 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर ए 63%, वेयर एज 76% रीड बी, 76% बी। If X% of people read both the newspaper, अरे क्या बात है, तो गजब वही हो गया X%, ठीक है, वही काम सेम, ये आपका X, ये आपका 63 माइनस X, ये आपका 76 माइनस X, यही दिया हुआ है, ठीक है। इन अ सर्वे शो दैट 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, वेयर एज 76% रीड न्यूज़पेपर बी, X% बोथ, then a possible value of x can be, x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो बस वही काम करो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है, ये तो 100 रहेगा, क्योंकि नहीं दिया है तो 100% का क्वेश्चन है, ये 63, ये 76, ये माइनस x, x को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 6 × 3 = 9 + 6 = 13 139 माइनस 100, मतलब x का जो वैल्यू है 39 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन इसमें छोटा किससे होगा 63 से, तो 39 से x की वैल्यू 63 तक, यही होगी ना, तो 39 से 63 तक कौन कौन वैल्यू वैलिड है 39 से 63 वैलिड है, तो 65 तो होगा नहीं, 29 होगा नहीं, उसके बीच में नहीं है, 39 से ना तो 37 नहीं होगा, 55 आपका एक आंसर होगा, जो कि डी आंसर इसमें वैलिड माना जाएगा बेटा, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन कहता है, देखो 3 सितंबर को पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि m बिलोंग्स टू r बोथ द रूट्स, अब ये कह रहा है x स्क्वायर माइनस m प्लस 1 x प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 4 सॉरी इज इक्वल टू 0 आर द रियल, ये कह रहा है ऐसे दिया हुआ है, तो सेट ए निकाल लो और सेट बी गिवन है,
करेगा इंटरसेक्शन भी क्या माइनस थ्री होगा, आप चेक तो करना है यार, ये तो सोल्व करना है, ये इसमें क्या कहानी है, तो आप आराम से कर सकते हो। कह रहा है ना कि कंसिडर द वैल्यू ऑफ सेट ए एम बिलोंग्स टू आर बोथ द रूट्स, दिस 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 आर रियल, बोथ रूट्स रियल, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बस यही तो करना है। तो ये आप कर सकते हो अपने से यार, ये एम प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए और एम प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन माइनस फोर एम माइनस सिक्सटीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस पंद्रह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पंद्रह पांच तीन या पंद्रह, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस, एक मिनट, दो का अंतर है ना, माइनस फाइव एम प्लस थ्री एम माइनस फिफ्टीन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यहां से सॉल्व करो, एम एम माइनस फाइव प्लस थ्री एम माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये एम प्लस थ्री एम माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां से माइनस थ्री से फाइव ये आया, तो ये आपका निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, हम लोग को लेना क्या था यार, पॉजिटिव ही तो लेना था, तो एक एम का वैल्यू हो गया, एम का वैल्यू पॉजिटिव भी दिया था कि ना, रियल दिया था, बता दो ठीक है, ये दिया था, एक मिनट ये क्या दिया था, इसमें मैंने सही लिया है ना, देख लेना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, तो एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन माइनस फोर एम और माइनस सिक्सटीन, सही तो लिखा है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं, ठीक है, और ये हो गया फाइव से इंफिनिटी, और उसमें क्या कह रहा था, बी जो दिया हुआ है, बी जो है वो माइनस थ्री से फाइव है, फाइव को लेना भी नहीं है, तो अभी दोनों को एक बार रियल नंबर लाइन पर सॉल्व करके ही सॉल्व कर पाओगे आप, देखो इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, मैं उसी पर कर लेता हूँ ना, क्यों, रियल नंबर ही तो लाइन है, कोई अलग से लाइन थोड़ी है, तो माइनस थ्री से फाइव, तो ये हम लोगों को मिला था यहां से, ये कह रहा था कि यहां से ये पूरा ले लो और ये ले लो, और ये कह रहा है वो जो बी दिया हुआ है, वो बी कह रहा है ये वाला कि माइनस थ्री से फाइव ही तक लेना, माइनस थ्री पर क्लोज और फाइव पर ओपन, इसमें क्लोज इसमें मिला क्या, केवल तो माइनस थ्री ही तो कॉमन मिला, तो माइनस थ्री ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया, माइनस थ्री ए इंटरसेक्शन बी माइनस थ्री, कॉमन तो ही आया ना, एम बिलोंग्स टू आर बोथ द रूट्स दिस 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 आर रियल, ठीक है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सही है, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन देखा जाए तो माइनस थ्री तो आ रहा है यार, और बी माइनस ए माइनस थ्री से फाइव, बी में से ए को हटा दिया जाए तो फिर वही बच जाएगा, माइनस थ्री से फाइव ही तो नहीं बचेगा, नहीं ए यूनियन बी आर भी, ये भी सही है। अच्छा नॉट ट्रू देखना यार, मैं क्यों परेशान हूँ, नॉट ट्रू ये सही है तो इसलिए गलत है, सही है इसलिए गलत है, नॉट ट्रू खोजना है, ये भी सही है यार, सब तो सही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, नॉट ट्रू है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, और ऐसा ट्विस्ट जरूरी भी है, ट्विस्ट होगा ना तब तो मजा आता है, नहीं तो मैं तो ऐसे बना देता तो ठीक रहता, लेकिन मैंने देखा रहे यार झटका लगा, चलो अच्छा है, नॉट ट्रू मैंने केयर भी नहीं किया था, सच्चाई यही है, ठीक है, चलो ठीक है।